देखो, मैं लास्ट लेक्चर के दौरान न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट किया था, तो आज मैं न्यूक्लिक एसिड जीनोम एंड क्रोमेटिन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उन सबों को कवर करूंगा। देखो, लास्ट लेक्चर के दौरान मैंने मेंशन किया था कि जब आप किसी डीएनए के केस में मेल्टिंग टेम्परेचर को डिस्क्राइब करते हो तो मेल्टिंग टेम्परेचर पर हाफ ऑफ द डीएनए मेल्ट कर जाता है। तो अगर आपने टेम्परेचर को रेज करना स्टार्ट किया और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए 50% मेल्ट कर गया, आप उसको टीएम वैल्यू के तौर पर डिस्क्राइब करते हो या मेल्टिंग टेम्परेचर के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। टीएम वैल्यू को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करता है, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं। अगर मैं जीसी कंटेंट ऑफ डीएनए को कंसिडर करता हूँ तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर के तौर पर जो है ना कंसिडर किया जाता है। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के दौरान मेंशन किया था, और मैंने साथ साथ रिलेशनशिप को पॉइंट आउट किया था कि जब आप जीसी कंटेंट को इंक्रीज करते हो तो जीसी कंटेंट को इंक्रीज करने का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर भी बढ़ेंगे, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर कंडीशन में टीएम का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आप शो कर रहे हो। उसी तरह से अगर जिस सॉल्यूशन में डीएनए प्रेजेंट है, अगर उस सॉल्यूशन का आयनिक स्ट्रेंथ को मैं इंक्रीज करूँ तो टीएम वैल्यू जो है इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं पीएच को चेंज करता हूँ, 7 से चाहे मैं 1 की ओर मूव करता हूँ या 7 से 14 की ओर मूव करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी टीएम वैल्यू चेंज होगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि अगर मैं पीएच को बिल्कुल कम कर दूँ तो टीएम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट टीएम वैल्यू आप शो करते हो पीएच 7 पर। जब आप पीएच को जो है 7 से हायर साइड लेके जाओगे या पीएच को 7 से लोअर साइड लेके जाओगे तो टीएम वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक, देखो ये तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि जब आप डीएनए में जीसी कंटेंट को इंक्रीज करते हो तो टीएम वैल्यू इंक्रीज होता है। जीसी कंटेंट इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप इंक्रीज कर रहे हो और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहे हो। साथ साथ अगर मुझे किसी डीएनए का टीएम वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है और हमें मुझे जीसी कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं टीएम वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर रूल की मदद से, जिसको हम कहते हैं वेलेस लॉ। तो मैं यहाँ वेलेस रूल को मेंशन किया हूँ कि अगर किसी डीएनए का जीसी कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर मुझे पता है, तो जीसी कंटेंट का इंफॉर्मेशन अगर पता है तो मैं उस डीएनए में एटी कंटेंट का वैल्यू जो है ना कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर जीसी कंटेंट मालूम है तो मैं एटी कंटेंट का कंसिडर कर सकता हूँ। सपोज करो कि अगर 10 यस बेस सर, पेयर का डीएनए है और हमें मालूम है कि यहाँ 6 बेस पेयर जो है वो जीसी है, तो रिमेनिंग 4 बेस पेयर एटी होगा। तो अगर जीसी कंटेंट अगर आपको मालूम है तो एटी कंटेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, और इन दोनों की मदद से आप जो है टीएम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो इक्वेशन प्रपोज किया था ये वेलेस ने किया था, इसको कहा गया वेलेस रूल। तो टीएम वैल्यू कैलकुलेट करने का ये एक सिंपल सा जो है इक्वेशन है। जीसी कंटेंट का वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप टीएम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, देखो जब आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिस्क्राइब करते हो तो नॉर्मली हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हेलिकल कन्फर्मेशन को शो करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि बुक्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के डिफरेंट कन्फर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। उनमें से कुछ कन्फर्मेशन जिसको कॉमन कन्फर्मेशन के तौर पर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उनमें से ए कन्फर्मेशन है। अगर डीएनए में ए कन्फर्मेशन है तो उसको ए डीएनए के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। बी कन्फर्मेशन है तो बी डीएनए के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। सी कन्फर्मेशन है तो सी डीएनए के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। जेड कन्फर्मेशन है तो जेड डीएनए के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका मतलब है कि ए कन्फर्मेशन है जिसके कारण आप डीएनए को ए डीएनए के तौर पर डिस्क्राइब कर रहे हो, और ये मैं कंडीशन डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन होता है कि इस पर्टिकुलर जो है कन्फर्मेशन में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन और मोस्ट कॉमन कन्फर्मेशन क्या है। देखो, कौन सा कन्फर्मेशन मोस्ट कॉमन कन्फर्मेशन के तौर पर यहाँ कंसिडर करोगे, ये डिपेंड करता है कि किस एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपने डीएनए को प्लेस किया है। तो सपोज करो कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्लेस किया हूँ, तो जो कन्फर्मेशन प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन के तौर पर स्टेबल कन्फर्मेशन के तौर पर अपियर होगा, दैट इज द बी डीएनए। इसीलिए जब आप किसी सेल में जहां आप कंडीशन को फिजियोलॉजिकल कंडीशन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, जब आप किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को प्लेस करते हो तो वो जिस कन्फर्मेशन को प्रीडोमिनेंट स्टेबल कन्फर्मेशन के तौर पर अडॉप्ट करता है, दैट इज द बी कन्फर्मेशन। इसीलिए हम लोग सेल के अंदर नॉर्मली हम लोग बी कन्फर्मेशन को शो करते हैं। लेकिन अगर उसी डीएनए को अगर मैं एक डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लेस करूं तो हो सकता है कि वो ए कन्फर्मेशन को अडॉप्ट करे, हो सकता है कि वो सी कन्फर्मेशन को अडॉप्ट करे, हो सकता है वो जेड कन्फर्मेशन को अडॉप्ट करे। इसका मतलब है कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन फिक्स्ड
जो है कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लेस्ड है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि वो कन्फर्मेशन जो है ए होगा या बी होगा या सी होगा या जेड होगा। अगर मैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करता हूँ तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन के तौर पर हम लोग बी कन्फर्मेशन को शो करते हैं, और वो प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन के तौर पर आप कंसिडर करते हो। अब सपोज करो कि मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जगह डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूँ, तो अगर मैं डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूँ तो मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए को भी यहाँ कंसिडर कर सकता हूँ, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए को भी कंसिडर कर सकता हूँ, और आरएनए डीएनए के हाइब्रिड को भी कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि एवरी केसेज में डबल स्टैंडर्ड कंडीशन, चाहे डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, या आरएनए डीएनए के जो है हाइब्रिड कंडीशन हो। अब क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कौन सा कन्फर्मेशन जो है अडॉप्ट होगा, ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एक पैरामीटर है कि आप टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या ले रहे हो, क्या आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले रहे हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ले रहे हो, या आरएनए डीएनए हाइब्रिड ले रहे हो। तो न्यूक्लिक एसिड के टाइप पे डिपेंड करता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कन्फर्मेशन कैसा होगा। दूसरा कि उसे किस एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक कंडीशन में प्लेस आप कर रहे हो, किस तरह के कंडीशन में आपने जो ना प्लेस किया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ कोट कर रहा हूँ, सपोज करो कि अगर मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए शो कर रहा हूँ और इसको फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्लेस किया, तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन जो ये अडॉप्ट करेगा प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन के तौर पर, दैट इज द बी कन्फर्मेशन। अगर मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जगह डबल स्टैंडर्ड आरएनए को जो है सेलेक्ट किया और इसे उसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्लेस किया, तो ये जो प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन अडॉप्ट करेगा दैट इज द ए कन्फर्मेशन। तो क्या आप इस बात को डेफिनेट तौर पर बोल सकते हो कि डीएनए में सिर्फ बी कन्फर्मेशन होगा और आरएनए में सिर्फ ए कन्फर्मेशन होगा? वो नो डिपेंड सर, करता है, वो डिपेंड करता है कि आप जो है डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड का नेचर क्या ले रहे हो, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर जो प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन जो है क्या अडॉप्ट करेगा। साथ साथ प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक कंडीशन कैसा है। मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, सपोज करो कि मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए को फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रखा, तो प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन बी कन्फर्मेशन के तौर पर डेवलप हुआ। लेकिन उसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अगर मैं हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन वाले कंडीशन में रखा तो वहां ए कन्फर्मेशन जो है ना डेवलप हुआ। तो कौन सा कन्फर्मेशन अडॉप्ट करेगा डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड, ये इन दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है कि न्यूक्लिक एसिड का टाइप आप क्या ले रहे हो और एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक कंडीशन क्या है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिस कन्फर्मेशन को प्रीडोमिनेंट और मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन के तौर पर अडॉप्ट करता है, दैट इज नोन एज द बी कन्फर्मेशन। ये पार्ट तो क्लियर है? यस देखो, सर, यस सर, अब मैं बात डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड की नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। तो जब भी आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिस्क्राइब करते हो तो वहाँ आप हेलिकल नेचर शो करते हो। जब उस हेलिकल नेचर के डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करते हो तो आप दो तरफ से जो है डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हो, एक में राइट हैंडेड कंडीशन शो करते हो, दूसरे में लेफ्ट हैंडेड कंडीशन शो करते हो। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर मैं हेलिकल नेचर शो कर रहा हूँ तो हेलिकल नेचर राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। अगर मैं ए कन्फर्मेशन की बात करूं, यानी ए डीएनए की बात करूं, बी डीएनए की बात करूं, सी डीएनए की बात करूं, तो यहाँ राइट हैंडेड कन्फर्मेशन सब शो कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो कि मैं जेड डीएनए को कंसिडर करता हूँ तो वहाँ लेफ्ट हैंडेड कन्फर्मेशन आपको मिलता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कहाँ राइट हैंडेड कन्फर्मेशन मिलता है, कहाँ लेफ्ट हैंडेड कन्फर्मेशन मिलता है, इसको रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर जो है कन्फर्मेशन जो है वो वहाँ लेफ्ट हैंडेड कंडीशन शो करते हो, बाकी जितने भी आप कन्फर्मेशन डीएनए के केस में शो करते हो सब में आप राइट हैंडेड जो है हेलिकल नेचर शो करते हो। ये पार्ट क्लियर है? यस देखो, सर, अगर डीएनए का नेचर अगर क्वेश्चंस में मेंशन ना हो या बुक में मेंशन ना हो तो आप बाय डिफॉल्ट बी डीएनए को जो है कंसिडर करते हो। बहुत सारे केसेज में मैं बाय डिफॉल्ट कंडीशन जो है मेंशन करता हूँ, तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डिजाइन करते समय मेंशन हो बी डीएनए, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए का उसी कन्फर्मेशन को आप सेलेक्ट करो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन के तौर पर प्रेजेंट होता है, यानी आप बी डीएनए। आजकल क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है न्यूक्लिक एसिड के पैरामीटर से रिलेटेड जो है ना पूछे जाते हैं, तो इस बात को मैं फाइंड आउट कर देता हूँ कि कौन सा पैरामीटर आपको जो है माइंड में रखनी है और किस पर्टिकुलर पैरामीटर को आप स्किप कर सकते हो। नो से मैं बी फॉर्म यानी बी डीएनए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो हेलिकल नेचर आप कैसा शो करते हो, तो राइट हैंडेड। दूसरा कि इस पर्टिकुलर डीएनए का डायमीटर क्या होता है, तो 20 एंगस्ट्रम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि वन है जो हेलिकल टर्न है उसकी एक्जियल हाइट क्या है। वन हेलिकल टर्न की एक्जियल हाइट को आप नॉर्मली पिच के तौर पर जो है डिस्क्राइब करते हो। अब जैसे मान लो
दिस इज द वन हेलिकल टर्न, यहां से लेकर के यहां तक जो है मैं उसको वन हेलिकल टर्न कंसिडर कर रहा हूं। अब इस वन हेलिकल टर्न का एक्जियल हाइट क्या है, यानी इस पर्टिकुलर जो है एक्सिस का लेंथ क्या है, उसको आप डिस्क्राइब करते हो पिच के तौर पर, और ये वैल्यू होता है 33.2 एंगस्ट्रम। बट इस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्जियल हाइट ऑफ वन हेलिकल टर्न का मीनिंग क्या हुआ, या पिच का मीनिंग क्या हुआ। उस वन हेलिकल टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, ये वैल्यू मैं यहाँ 10.4 शो की हूँ। हो सकता है कि किसी बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 10 मेंशन हो, किसी बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 10.5 मेंशन हो, तो बेटर है कि आप 10.4 मेंशन करो। और अगर मान लो कि कहीं 10.5 मेंशन किया है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, बट 10 जो वैल्यू है ये वैल्यू आजकल हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि एक्जियल हाइट ऑफ वन बेस पेयर के टू बेस पेयर के बीच का जो है एक्जियल हाइट कितनी है। अब देखो ये एक बेस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे बेस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दो बेस पेयर के बीच का जो एक्जियल हाइट है उस एक्जियल हाइट का वैल्यू है 3.32 एंगस्ट्रम। इसको भी आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आता है ट्विस्ट एंगल, यानी रोटेशन पर बेस पेयर। देखो अगर मैं वन हेलिकल टर्न शो कर रहा हूं तो वन हेलिकल टर्न जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और उस वन हेलिकल टर्न में 10.4 बेस पेयर्स है, तो एक बेस पेयर के रेस्पेक्ट में एंगल का वैल्यू कितना हुआ, वो वैल्यू मैं यहाँ मेंशन किया हूँ 34.3 डिग्री। इसको भी मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये मालूम होनी चाहिए कि ट्विस्ट एंगल का मीनिंग क्या हुआ। यानी अगर मैं वन हेलिकल टर्न का जो है एंगल शो कर रहा हूँ 360 डिग्री, और उस वन हेलिकल टर्न में 10.4 बेस पेयर है, या 10 बेस पेयर है, या 10.5 बेस पेयर है, तो वन बेस पेयर के रिस्पेक्ट में जो है एंगल का वैल्यू कितना हुआ उसको डिस्क्राइब करते हैं ट्विस्ट एंगल। एक वैल्यू होता है टिल्ट एंगल, मैं टिल्ट एंगल को यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, बट कभी अगर मान लो कि डाउट्स होगा तो मैं इसको जो है मेंशन कर दूंगा। अभी फॉर द टाइमिंग मैं सिंपली मेंशन कर रहा हूँ कि टिल्ट एंगल का वैल्यू क्या हुआ। टिल्ट एंगल का वैल्यू 6 डिग्री है, और माइनस का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन को शो कर रहा है। प्रोपेलर ट्विस्ट का वैल्यू जो है 16 डिग्री है, और प्लस का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना वैल्यू को कंसिडर कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर के दौरान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के कन्फर्मेशन को बताया था, तो कन्फर्मेशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का या तो आप एंटी शो करते हो या सीन शो करते हो, तो यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कन्फर्मेशन एंटी होता है। सुगर पकड़ का नेचर जो है मैं मेंशन किया था, या तो C2' एंडो या C3' एंडो, तो आपको यहाँ C2' एंडो कंडीशन आपको मिलता है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको माइंड में रखना है, एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कन्फर्मेशन और शुगर पकड़ का नेचर, रिपीटिटिंग यूनिट, क्योंकि अगर मैं ए डीएनए बी डीएनए सी डीएनए को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ रिपीटिटिंग यूनिट वन बेस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ जेड डीएनए के केस में रिपीटिंग यूनिट जो है आप टू बेस पेयर को कंसिडर करते हो, और यहाँ जो है मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप जो है बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है। अगर मैं मेजर ग्रुप को कंसिडर करता हूँ तो मेजर ग्रुप वाइड और डीप होता है, जो फिगर से भी आप चेक कर सकते हो, और जो माइनर ग्रुप होता है वो नैरो एंड डीप होता है। ये भी इंफॉर्मेशन काफी रिलिवेंट होता है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया। तो मैं इतने सारे इंफॉर्मेशन अगर कोट कर रहा हूँ तो उसमें बहुत कम ही ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको आपको जो है कवर करना है, माइंड में रिटेन करना है, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कन्फर्मेशन क्या है, शुगर पकड़ का नेचर क्या है, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का नेचर क्या है, और वन हेलिकल टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर क्या शो कर रहे हैं, और डायमीटर क्या है, और हेलिक्स का सेंस क्या है। तो हेलिक्स का सेंस तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये राइट हैंडेड। देखो यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ए फॉर्म ऑफ डीएनए और बी फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या फर्क है। आप कहोगे कि ये इन्फॉर्मेशन क्या इतना रिलेवेंट है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चेक करोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो ए फॉर्म और बी फॉर्म के जो है डिस्टिंक्शन पर बेस्ड जो है पूछा गया है। लेकिन मैं ब्रॉडली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो कि हेलिक्स का नेचर दोनों में राइट हैंडेड है, लेकिन अगर आप डायमीटर को देखो तो बी डीएनए का नेचर जो है, बी डीएनए के केस में डायमीटर 20 एंगस्ट्रम है जबकि ये 23 एंगस्ट्रम है, तो कौन ज्यादा ब्रॉड है, कौन जो है नैरो कंडीशन शो कर रहा है, ये आप वैल्यू के आधार पर चेक कर सकते हो। वन हेलिकल टर्न का जो आप एक्जियल हाइट शो करते हो, यहाँ 33.2, यहाँ 24.6, यानी आप ए डीएनए के केस में आप स्ट्रक्चर को ब्रॉड शो करते हो और शॉर्ट शो करते हो, और यहाँ क्या होता है आप डायमीटर कम शो करते हो और हेलिकल स्ट्रक्चर को जो है ना लॉन्गर शो करते हो। नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न बी डीएनए के केस में तो मैं मेंशन किया हूँ 10.4, लेकिन बहुत सारे बुक्स में ही मेंशन होता है 10.5। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ए फॉर्म के केस में नंबर ऑफ बेस पेयर वन हेलिकल टर्न में कितना हो। अगर आप रिव्यू पेपर की मदद से अगर इंफॉर्मेशन को कोट करते हो तो ये वैल्यू आता है 10.7, लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन होता है अप्रोक्सीमेटली 11।
अब जैसे अगर आप किसी भी दो बुक को अगर आप कंसल्ट करो, सपोज करो कि बायोकेमिस्ट्री की आपने एक लेनिंजर कंसल्ट किया, एक स्ट्रायर कंसिडर किया, व्हाइट एंड व्हाइट किया, किसी भी दो स्टैंडर्ड बुक में ये वैल्यू सेम दिया हुआ नहीं। किसी में 11 दिया हुआ है, किसी में 11.3 दिया हुआ है, किसी में 10.7 दिया हुआ। तो बेटर होगा कि जो ओरिजिनल पेपर में वैल्यू जो है ना मेंशन था वो मेंशन करें, और उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 11 बेस पेयर के तौर पर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एक्जियल हाइट ऑफ वन बेस पेयर, ये वैल्यू जो है आपको कम शो करता है। ट्विस्ट एंगल ये 33.6 डिग्री है। बेस पेयर टिल्ट का वैल्यू आप यहाँ -6 शो कर रहे थे बी, और यहाँ +20 डिग्री शो कर रहे हो, यानी टिल्ट एंगल का वैल्यू जो है ना काफ़ी ज़्यादा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्रोपेलर ट्विस्ट का वैल्यू आप यहाँ ऑलमोस्ट सेम शो करते हो बी डी एन ए के केस में 16 डिग्री, और यहाँ 18 डिग्री, और दोनों में क्लॉकवाइज कंडीशन शो करते हो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कंफर्मेशन आप दोनों में एंटी शो करते हो। शुगर पकड़ के वैल्यू में फर्क होता है, यहाँ C3' एंडो कंडीशन शो करते हैं, यहाँ C2' एंडो कंडीशन शो करते हैं। रिपीटेटिंग यूनिट का नेचर जैसा आप बी डी एन ए में शो करते हो वही आप ए डी एन ए में शो करते हो, बट जो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप है वहाँ आपको डिफरेंसेस मिलता है। अगर मैं मेजर ग्रुप की बात करूँ तो नैरो और डीप कंडीशन आपको मिलता है ए में, वाइड एंड डीप कंडीशन आपको मिलता है बी में। वाइड और शैलो कंडीशन आपको मिलता है माइनर ग्रुप का ए में, नैरो एंड डीप कंडीशन आपको मिलता है माइनर ग्रुप का बी के केस में। तो ये इंफॉर्मेशन आप थोड़ा माइंड में रखना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। देखो अगर मैं किसी डीएनए की कंफर्मेशन को जेड डीएनए के तौर पर या जेड कंफर्मेशन के तौर पर मेंशन कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन या ये कंफर्मेशन तभी पॉसिबल है जब डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अल्टरनेट प्यूरीन और पायरिमिडीन वाले कंडीशन एक स्टैंड में प्रेजेंट हो। तो अगर मान लो कि मैं एक स्टैंड में अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन वाले कंडीशन शो करूंगा, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा वहां भी ऑब्वियसली आप अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन शो करोगे। अब जैसे मान लो कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर पायरिमिडीन शो कर रहा हूँ, सेकंड पोजीशन पर प्यूरीन शो कर रहा हूँ, तो एक स्टैंड में अगर मैं अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन शो कर रहा हूँ तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा वहाँ भी अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर है तो फिर जेड कन्फर्मेशन डेवलप हो सकता है। तो मुझे बताओ यहाँ रिपीटिंग यूनिट हम बेस पेयर के फॉर्म में ले रहे हैं, दो बेस पेयर को मिला करके रिपीटिंग यूनिट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए मैं मेंशन किया था कि बी डीएनए के केस में, ए डीएनए के केस में रिपीटिंग यूनिट जो है सिंगल बेस पेयर का होता है, जबकि यहाँ रिपीटिंग यूनिट जो है आप टू बेस पेयर का शो करते हो, क्योंकि आप इससे एक पर्टिकुलर जो है बेस पेयर, टू बेस पेयर को जो है एक रिपीटिंग यूनिट के तौर पर कंसिडर कर रहे हो। इन टू बेस पेयर को एक रिपीटिंग यूनिट के तौर पर कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि एक रिपीटिंग यूनिट में आपको पायरिमिडीन और प्यूरीन दोनों शो करना है। तो यहाँ रिपीटिंग यूनिट जो है दो बेस पेयर का आप कंसिडर करते हो। अगर ये कंडीशन अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो जेड कन्फर्मेशन जो है डेवलप हो सकता है, बट उस जेड कन्फर्मेशन को डेवलप होने के लिए सर्टेन एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक कंडीशन जो है प्रमोट करता है। अब जैसे मान लो कि मैं इस डीएनए को जिसमें अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन है उसको हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन वाले कंडीशन में अगर मैं रखूं, तो जेड कन्फर्मेशन के डेवलप होने के चांसेज इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन अगर किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्रेजेंट है तो वहां जेड कन्फर्मेशन डेवलप होगा, लेकिन उस डीएनए को अगर मैं हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन वाले कंडीशन में प्लेस करूंगा तो जेड कन्फर्मेशन के डेवलप होने के चांसेज बढ़ जाएंगे। अगर मान लो कि मिथाइलेटेड साइटोसिन है, क्योंकि तो अगर मैं पायरिमिडीन कंसीडर कर रहा हूँ तो पायरिमिडीन के तौर पर मैं साइटोसिन भी ले सकता हूँ, थायमिन भी ले सकता हूँ, और वो साइटोसिन मिथाइलेटेड कंडीशंस में अगर है तो जेड कन्फर्मेशन के डेवलप होने के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। अगर डीएनए में नेगेटिव सुपर कॉइलिंग वाले कंडीशंस हैं तो जेड कन्फर्मेशन के डेवलप होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो जेड कन्फर्मेशन तब डेवलप होगा जब आप अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन वाले कंडीशन जो है डीएनए में शो करोगे। अगर एक स्टैंड में अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी अल्टरनेट प्यूरीन एंड पायरिमिडीन शो करेगा। इसका मतलब रिपीटिंग यूनिट यहाँ दो बेस पेयर से, आप दो बेस पेयर से एक रिपीटिंग यूनिट जो है ना डेवलप हुआ है। बट अगर मैं एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन को अगर चेंज करता हूँ तो जेड कन्फर्मेशन के डेवलप होने के चांसेज भी जो है ना चेंज होंगे। अगर हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में रखूंगा तो जेड कन्फर्मेशन डेवलप होने के चांसेज बढ़ जाएंगे। अगर साइटोसिन मिथाइलेटेड कंडीशन में है, जिसको मैं 5-मिथाइल साइटोसिन के तौर पर जीन रेगुलेशन के केस में डिस्क्राइब किया था, अगर 5-मिथाइल साइटोसिन वाले कंडीशन है तो जेड कन्फर्मेशन के डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। अगर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डीएनए में प्रेजेंट है तो जेड कन्फर्मेशन के जो है डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब जेड कन्फर्मेशन से रिलेटेड पैरामीटर क्या क्या, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि लेफ्ट हैंडेड जो है आप हेलिकल नेचर शो करते हो। डायमीटर में 18 एंगस्ट्रम शो किया, इसका मतलब है कि बी डीएनए से यहाँ डायमीटर कम है। पिच
आप जो है 45.6 एंगस्ट्रम शो करो, यानी बी डीएनए से आप हाइयर शो करो, बेस्ट पेयर इन वन हेलिकल टर्न 12 शो करो। तो ये बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसको तो आप देख लेना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कंफर्मेशन देखो, अगर मान लो कि मैं ये शुगर मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ और इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ अगर प्यूरीन अटैच्ड है और अगर शुगर मॉलिक्यूल के साथ पायरिमिडीन अटैच्ड है, तो दोनों कंडीशंस में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कन्फर्मेशन है वो डिफरेंट होगा। अगर पायरिमिडीन अगर मान लो कि इनके साथ लिंक्ड है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कन्फर्मेशन होगा एनटी, और अगर प्यूरीन अगर मान लो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका जो है कन्फर्मेशन होगा सीन। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कन्फर्मेशन आपको यहाँ एनटी भी मिलता है और सीन भी मिलता है। अगर प्यूरीन के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको सीन मिलता है, और पायरिमिडीन के रिस्पेक्ट में आप चेक करो तो आपको एनटी मिलता है। दूसरा कि जो शुगर पकड़ का नेचर है वहाँ भी आपको डिफरेंसेस मिलता है। अगर प्यूरीन के साथ अगर शुगर रेजिड्यूज अगर कनेक्टेड है तो यहाँ जो आपको शुगर पकरिंग का नेचर मिलेगा वो C3' एंडो वाले कंडीशन शो करेगा। लेकिन अगर पायरिमिडीन से लिंक्ड अगर मैं यहाँ शुगर मॉलिक्यूल को अगर शो करता हूँ तो इस शुगर मॉलिक्यूल के केस में जो शुगर पकरिंग का नेचर होगा C2' एंडो होगा। तो कहाँ C2' एंडो होगा, कहाँ C3' एंडो होगा, ये आप ध्यान में रखना। अगर शुगर पायरिमिडीन के साथ कनेक्टेड है तो C2' एंडो, अगर शुगर प्यूरिन के साथ कनेक्टेड है तो शुगर में जो ग्लाइको शुगर पकरिंग का नेचर शो करते हैं 3' एंडो। रिपीटिंग यूनिट को अब यहाँ 2 बेस पेयर के तौर पर जो कंसिडर करोगे अब तो समझ में आ गया होगा। मेजर ग्रुप यहाँ जो है फ्लैट कंडीशन शो करते हैं और माइनर ग्रुप में नैरो और डीप कंडीशन है। इसका मतलब है कि जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वहाँ आप एक रेगुलर पैटर्न नहीं शो करते हो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का। अगर मैं बी डीएनए शो करता हूँ तो हमें एक रेगुलर पैटर्न मिलता है मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का। लेकिन अगर मैं जेड डीएनए कंसीडर करता हूँ तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन में आपको रेगुलर कंडीशन से नहीं मिलता है मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का, इरेगुलर कंडीशन मिलता है, जिग जैग पैटर्न मिलता है। इस जिग जैग पैटर्न के कारण ही इसको जेड कन्फर्मेशन के तौर पर डिस्क्राइब किया गया, और ये मैं कंडीशन जेड डीएनए के केस में मेंशन किया। ये पार्ट क्लियर है? यस सर, यस सर। देखो न्यूक्लिक एसिड के बाद जो पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ दैट इज द जीनोम, और जीनोम के बाद जो पार्ट मैं कवर करूंगा दैट इज द क्रोमेटिन, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। सबसे पहले आपने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, उसके बाद डीएनए के बारे में पढ़ा, आरएनए को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद आप जो है जीनोम के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद क्रोमेटिन के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम लोग जीनोम के बारे में बात करते हैं। देखो मैं यहाँ जीनोम को ब्रॉड सेंस में डिस्क्राइब किया हूँ, ब्रॉड सेंस में डिस्क्राइब किया हूँ एज ए सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन है कि यहाँ जो डिफिनीशन है इसमें तीन ऐसे जो है पैरामीटर को मैं मेंशन किया हूँ, उन पैरामीटर का मीनिंग क्या है। पहले तो मैं सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, फिर मैं जेनेटिक मटेरियल मेंशन क्यों हूँ ना कि डीएनए एंड आरएनए मेंशन क्यों, और सम टोटल मेंशन कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिज कंसीडर करते हो तो ऑर्गेनिज का नेचर सेलुलर भी हो सकता है और नॉन सेलुलर भी हो सकता है। अगर सेलुलर ऑर्गेनिज है तो इसका मतलब है कि आप प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को कंसिडर करते हो, और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज है तो आप वायरस एंड वायरॉइड को कंसिडर करते हो। इसका मतलब है कि जीनोम का प्रेजेंस आप सेलुलर ऑर्गेनिज में भी शो करते हो और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज में भी शो करते हो। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट मेंशन करते हैं कि द सम टोटल ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। इसका मतलब है कि आप डिफिनेशन जो है इनकरेक्ट जो है डिफिनेशन के तौर पर फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जीनोम का प्रेजेंस आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट जैसे सेलुलर ऑर्गेनिज में भी शो करते हो और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज में भी शो करते हो। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज में वायरस एंड वायरॉइड को कंसिडर करते हैं। दूसरी बात कि जब आप जीनोम को डिफाइन करते हो तो आप मेंशन करते हो सम टोटल ऑफ ऑल द डीएनए। देखो अगर मैं सम टोटल ऑफ ऑल द डीएनए में अगर मेंशन करूंगा तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में आप डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पर शो करते हो। लेकिन आप रिकॉल करो आरएनए वायरस को, जहां जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आरएनए प्रेजेंट है। आप विरुवाइड को रिकॉल करो, वहां जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जो है ना आरएनए प्रेजेंट है। तो क्या मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि सम टोटल ऑफ ऑल द डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म? इनकम्प्लीट होगा। तो मैं यहां सम टोटल ऑफ जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल का नीचे डीएनए भी शो कर रहा हूं और जेनेटिक आरएनए भी शो कर रहा हूं। अब क्वेश्चन होता है कि सम टोटल का क्या मतलब हुआ? एक सेल के अंदर जो भी आप जेनेटिक मटेरियल शो कर रहे हो वो जेनेटिक मटेरियल जो है ना न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है या न्यूक्लियस के बाहर किसी ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट है, आप सबको कंसीडर कर रहे हो।
अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो आप क्लोरोप्लास्ट के भी डीएनए को, माइटोकॉन्ड्रिया के भी डीएनए को और न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट डीएनए है सबको कंसिडर करो। अगर मैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में सेल के अंदर अगर प्लाज्मिड शो कर रहा हूँ तो मैं प्लाज्मिड डीएनए को भी कंसिडर करूंगा, इसलिए मैं यहाँ मेंशन किया हूँ सम टोटल। तो सम टोटल ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज, इसको आप डिस्क्राइब करते हो जीनोम के तौर पर। ऑर्गेनिज का नेचर सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल का नेचर डीएनए और जेनेटिक आरएनए दोनों हो सकता है। सम टोटल का मतलब हुआ कि सेल के अंदर जिस भी पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है आप सबको कंसिडर कर रहे हो, ये पार्ट क्लियर है। यस सर। मैं एक ब्रॉड पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर जीनोम का नेचर अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अगर मेंशन करना हो तो ब्रॉडली हमारे माइंड में क्या पिक्चर डेवलप होनी चाहिए। देखो पहली बात तो है कि ऑर्गेनिज्म को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ, नॉन सेलुलर एंड सेलुलर। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज और सेलुलर ऑर्गेनिज में से अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनिज की बात करूँ तो आप सारे यूकैरियोट्स एंड सारे प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करते हो, देर इज नो एक्सेप्शन। चाहे कोई भी यूकैरियोट्स हो चाहे कोई भी प्रोकैरियोट्स हो, वहां आप सेलुलर स्ट्रक्चर की प्रेजेंस को शो करते हो तो आप ऑर्गेनिज को सेलुलर ऑर्गेनिज के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। और वहां जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जो है यानी जीनोम का नेचर ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसलिए आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी भी यूकैरियोट के बारे में पूछा जाए, किसी भी प्रोकैरियोट के बारे में पूछा जाए, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंजाई हो, प्रोटिस्ट हो, आपको मालूम है कि वहाँ जेनेटिक मटेरियल का नेचर जो है डीएनए होता है और वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में होता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन अगर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज हैं तो आप विरॉइड एंड वायरस को नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज की कैटेगरीज में रखते हो। देखो मैं प्रायोन को नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज की कैटेगरीज में नहीं रखा हूँ, प्रायोन को इन्फेक्शियस प्रोटीन के तौर पर कंसिडर करते हैं, उसको किसी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज के तौर पर कंसिडर नहीं करते। तो मैं अगर मैं प्रायोन को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक इन्फेक्शियस प्रोटीन के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ, ना कि इसको एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज मान रहा हूँ। विरॉइड अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो विरॉइड में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जो ना प्रेजेंट है, और अगर मैं वायरस कंसीडर करता हूँ तो यहाँ आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है और डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है। इसका मतलब है कि कन्फ्यूजन जो है सिर्फ वायरस के केसेस में। अगर जेनेटिक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन अगर मुझे माइंड में रखनी है तो सिर्फ वायरस के केस में रखनी है कि कौन से वायरस में आरएनए है, कौन से वायरस में डीएनए है, किस में डबल स्टैंडर्ड है, किस में सिंगल स्टैंडर्ड है, बाकी में तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। देखो नेचर ऑफ जीनोम इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का मतलब आप माइंड में जरूर रखना कि मैं यहाँ यू बैक्टीरिया को भी कंसीडर कर रहा हूँ और बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया को भी कंसीडर कर रहा हूँ, दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ। अब किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे ही किसी प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो सिंपली ई कोलाई को एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर करते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ई कोलाई को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कंसिडर करो, आप सारे प्रोकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में कंडीशन को सोचो। वहां जेनेटिक मटेरियल यानी जीनोम का जो नेचर होता है वो डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट वो डीएनए क्रोमोजोमल डीएनए के फॉर्म में भी होता है, प्लाज्मिड डीएनए के भी फॉर्म में होता है। तो अगर मान लो कि मैं क्रोमोजोमल डीएनए के फॉर्म में अगर शो कर रहा हूँ तो ये ऑलवेज प्रेजेंट होगा। आप ऐसा किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज के बारे में नहीं बता सकते हो कि जहां क्रोमोजोमल डीएनए नहीं होगा, क्रोमोजोमल डीएनए होगा। जनरली अगर आप इसके नंबर की बात करते हो तो वन शो करते हैं, बट मोस्टली ये कंडीशन शो करते हैं। कुछ ऐसे भी जो है प्रोकैरियोट्स हैं जहां नंबर एक से ज्यादा होता है, बट मोस्ट कॉमनली आप यहाँ नंबर एक शो करते हो। शेप कैसा शो करते हो? तो मोस्टली सर्कुलर शो करते हैं। फिर मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि मोस्टली सर्कुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केसेज में लीनियर भी है। सुपर क्वालिंग का नेचर, और मैं डीएनए सुपर क्वालिंग डिस्कस भी किया था, तो सुपर क्वालिंग का नेचर आपको क्या मिलता है? तो नेगेटिव सुपर क्वालिंग नेगेटिव प्लेक्टोनिमिक सुपर क्वालिंग वाले कंडीशन मिलते हैं, नेगेटिव प्लेक्टोनिमिक सुपर क्वालिंग वाले कंडीशन मिलते हैं। अगर मैं प्लाज्मिड डीएनए की बात करूं तो ये तो जरूरी नहीं है कि किसी भी बैक्टीरिया में ऑलवेज प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड का प्रेजेंस तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यस सर। क्योंकि ये कोई एसेंशियल तो जो है जेनेटिक मटेरियल तो है नहीं कि बैक्टीरिया के केस में प्लाज्मिड ऑलवेज प्रेजेंट हो। नंबर आप इसका शो करते हो लो कॉपी नंबर और हाई कॉपी नंबर के रिस्पेक्ट में, आप यहाँ वन और टू मेंशन नहीं करते हो, आप मेंशन करते हो लो कॉपी नंबर और हाई कॉपी नंबर। शेप की जहां तक अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सर्कुलर होता है, बट मोस्टली सर्कुलर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑलवेज सर्कुलर होगा, बट मोस्टली सर्कुलर। और यहाँ भी आप सर्कुलर अगर डीएनए का नेचर शो कर रहे हो तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग वाले कंडीशन आपको मिलता है और प्लेक्टोनिमिक कंडीशन आपको मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये कंडीशंस मैं प्रोकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ।
अगर मैं इसी कंडीशंस को यूकैरियोट के रिस्पेक्ट में शो करूं तो यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल का नेचर जो है ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इनमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियस के अंदर भी होता है और न्यूक्लियस के बाहर भी होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियर डीएनए के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को साइटोप्लाज्मिक डीएनए के तौर पर भी आप मेंशन करते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है उसी को आप साइटोप्लाज्मिक डीएनए के तौर पर डिस्क्राइब करो, और जो न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड है उसे आप न्यूक्लियर डीएनए की कैटेगरीज में रख दो। तो मैं न्यूक्लियर डीएनए को भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए उनको भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखो जब आप न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को शो करते हो यूकेरियोट्स में, तो यहाँ टू डिफरेंट फॉर्म्स में जो है आपको डीएनए प्रेजेंट मिलता है। एक क्रोमोजोमल डीएनए के फॉर्म में आपको प्रेजेंट मिलता है, क्योंकि आप कभी भी न्यूक्लियस को मेंशन करते हो तो वहां आप क्रोमेटिन या क्रोमोजोम के प्रेजेंस को शो करते हो। यस सर, और जब भी आप क्रोमोजोमल डीएनए के नंबर को शो करते हो तो नंबर मोर देन वन शो करते हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि क्रोमोजोम के नंबर जो है न्यूक्लियस के अंदर आप वन शो करते हो, मोर देन वन शो करते हो। शेप ऑलवेज आप लीनियर शो करते हो, कभी भी आप सर्कुलर कंडीशन नहीं शो करते हो। सुपर क्वालिंग का नेचर क्या शो करते हो, तो नेगेटिव सुपर क्वालिंग होता है और सोलिनोइडल होता है, ये मैं मेंशन किया था। यस सर, और ये कंडीशन एसेंशियल क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्रोमोजोमल डीएनए का प्रेजेंस आप ऑलवेज शो करते हो न्यूक्लियस के अंदर। बट न्यूक्लियर डीएनए सिर्फ क्रोमोजोमल डीएनए के फॉर्म में नहीं होता है, प्लाज्मिड डीएनए के फॉर्म में भी होता है। तो आपके माइंड में आएगा कि यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड तो मेंशन हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। नॉर्मली इसलिए मेंशन नहीं करते हैं कि ये कंडीशन जो है ना अनकॉमन कंडीशन है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज हैं जिसके न्यूक्लियस के अंदर आप प्लाज्मिड डीएनए को शो करते हो। जैसे अगर मैं बडिंग ईस्ट की बात करूं तो बडिंग ईस्ट के केस में एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है 2 माइक्रोन सर्किल। तो 2 माइक्रोन सर्किल क्रोमोजोमल डीएनए नहीं है, वो प्लाज्मिड डीएनए है। और प्लाज्मिड डीएनए का प्रेजेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई एसेंशियल जो है कंपोनेंट है नहीं। और जब भी आप प्लाज्मिड के नंबर को बताते हो तो आप या तो लो कॉपी नंबर बताओगे या हाई कॉपी नंबर बताओगे। सेप बताओगे तो यहाँ मोस्टली सर्कुलर कंडीशन शो करोगे। सुपर क्वालिंग शो करोगे तो सुपर क्वालिंग का नेचर जो है आपको नेगेटिव मिलेगा और सोलिनोइडल मिलेगा। आप कहोगे कि यहाँ भी सोलिनोइडल है, यहाँ भी सोलिनोइडल है। वो इसलिए है क्योंकि यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए ऑलवेज हिस्टोन प्रोटीन के साथ सराउंडेड होता है। तो अगर क्रोमोजोमल डीएनए है तो ये भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ सराउंडेड होगा। अगर उसी न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्मिड डीएनए भी अगर है तो वो भी हिस्टोन प्रोटीन से सराउंडेड होगा। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन से सराउंडेड है तो आप वहां सुपर कॉइलिंग का नेचर क्या शो करोगे, सोलिनोइडल। इसीलिए मैं यहाँ दोनों जगह सोलिनोइडल कंडीशन शो किया हूँ। ये पार्ट क्लियर है? यस ठीक। यस सर, अच्छा आपने जब आरडीटी पढ़ा होगा तो वहां आपने पढ़ा होगा 2 माइक्रोन सर्किल एक्स एज ए क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा होगा। यस सर, तो यस आपको सर, समझ में आ गया कि मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि प्लाज्मिड डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, बट यस मोस्टली सर, लोअर यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होता है। हायर यूकैरियोट्स के केस में इनका प्रेजेंस जो है अनकॉमन है। ठीक है, अब बात रही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए का। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के केस में मैं कुछ पैरामीटर को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड वो मेंशन कर रहा हूँ। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट भी आ सकता है, क्रोमोप्लास्ट भी आ सकता है और एमाइलोप्लास्ट भी आ सकता है। तो मैं यहाँ प्लास्टिड की बात कर रहा हूँ और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ। नंबर मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं, तो न मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट है तो यानी मोर देन वन कॉपी प्रेजेंट होगा, मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं। शेप की बात जहां तक करें तो मोस्टली सर्कुलर होता है, लेकिन कुछ केसेज में लीनियर फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। अब जैसे मान लो कि मैं पैरामीशियम का केस लेता हूँ। पैरामीशियम प्रोटोजोअन है, उसके न्यूक्लियस उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। साइज आप काफी लार्ज नहीं शो करते हो, स्मॉल साइज शो करते हो। सुपर क्वालिंग का नेचर आप क्या शो करोगे, तो सुपर क्वालिंग का नेचर नेगेटिव शो करोगे और प्लेक्टोनिमिक कंडीशन शो करोगे। आप कहोगे कि प्लेक्टोनिमिक कंडीशन क्यों? भाई मैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की बात कर रहा हूँ। वहां हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो सोलेनोइडल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को आप नहीं शो करोगे। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर क्या शो करोगे, तो प्लेक्टोनिमिक। ये पार्ट क्लियर है? यस सर, देखो अगर मैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आप बुक्स में स्टडी करते हो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रिस्पेक्ट में होता है और ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रिस्पेक्ट में होता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि ऑर्गेनेलीज का जो डीएनए होता है वो स्मॉल साइज का होता है। तो आप देखो यहाँ साइज क्या है, तो 16 किलो बेस पेयर अप्रॉक्सीमेटली। मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं। आप देखो कि नंबर जो है 2 to 10 कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आप एक माइटोकॉन्ड्रिया में शो करते हो।
अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें डिफरेंट जीन्स पेटेंट होंगे। राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन के 2 जीन्स पेटेंट होते हैं, ट्रांसफर आरएनए के फॉर्मेशन के 22 जीन्स पेटेंट होते हैं, और मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए जो आगे चल करके पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहा है उसके 13 जीन्स होते हैं। इट मीन्स कि आप जीनोम का साइज काफी छोटा शो कर रहे हो, मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट है, बहुत कम नंबर ऑफ जीन्स आप शो करते हो जिनमें से राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन के 2 जीन्स हैं, ट्रांसफर आरएनए के फॉर्मेशन के 22 जीन्स हैं, और मैसेंजर आरएनए जो आगे चल के पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है जिसको आप प्रोटीन कोडिंग जीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, उसके नंबर जो है 13 है। आपको एक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि जब मैं राइबोसोमल आरएनए के जीन को कंसीडर करता हूँ तो जो राइबोसोमल आरएनए यहाँ बन रहा है वो 12S और 16S टाइप के बन रहे हैं, जबकि हम लोग नॉर्मली राइबोसोम के केस में जब राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल अगर राइबोसोम कंसीडर करता हूँ तो 70S की बात करेंगे। 70S है तो आप स्मॉलर सबयूनिट को 30S के तौर पर शो करते हो, लार्जर सबयूनिट को 50S के तौर पर शो करते हो। 50S के केस में आप राइबोसोमल आरएनए का नेचर क्या शो करते हो, राइबोसोमल आरएनए का नेचर आप क्या शो करते हो 50S में, ये मैं ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुका हूँ। तो आप एक काम करना कि 70S और 80S इन दोनों में राइबोसोमल आरएनए का नेचर क्या है, कितने प्रोटीन्स हैं, जो मैं मॉलिकुलर जेनेटिक्स का जो टॉपिक कवर कर रहा था आरएनए प्रोसेसिंग, वहां से आप इसको जो है एक बार कवर करना ताकि आपको पता चले कि ठीक आप कहाँ इंफॉर्मेशन जो है मिस कर रहे हो, कहाँ आपको रिटेन करने की आवश्यकता है। अगर मैं विरुआइड्स को कंसीडर करता हूँ तो विरुआइड जो है वो सेलुलर ऑर्गेनिज नहीं है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज है, और ये ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पारासाइट के तौर पे काम करता है, और इनका होस्ट जो होता है वो प्लांट सेल होता है। तो 3 इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना कि एक तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज है और ये ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पारासाइट के तौर पर बिहेवियर शो करता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट सेल होस्ट के तौर पर यूज होकर प्लांट सेल को होस्ट के तौर पर यूज करता है। दूसरा, इसका केमिकल नेचर जो है वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए है। अब क्वेश्चन है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि इनका जेनेटिक मटेरियल का नेचर आरएनए है, इसलिए मैं यहाँ इसका केमिकल नेचर जो है ना मेंशन किया हूँ, न्यूक्लिक एसिड प्लांट सेल होस्ट के तौर पर काम कर रहा है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट के तौर पर आप कंसिडर करते हो, और ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब विराइड का जेनेटिक मटेरियल का नेचर देखो, आरएनए होगा। अब नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज है तो यहाँ कभी सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा, कभी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा, तो आपको मेंशन करना होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। शेप सर्कुलर है या लीनियर है, तो सर्कुलर है। काफी स्मॉल साइज का ये जो है आरएनए मॉलिक्यूल है, लेस देन 500 न्यूक्लियोटाइड्स का आप आरएनए मॉलिक्यूल शो कर रहे हो, और ये नॉन कोडिंग आरएनए के तौर पर शो कर रहे हो। अगर नॉन कोडिंग आरएनए के तौर पर शो कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये मैसेंजर आरएनए के तौर पर डायरेक्टली काम नहीं कर रहा। अगर ये मैसेंजर आरएनए के तौर पर डायरेक्टली काम करता तो इसको कोडिंग आरएनए के तौर पर जो है डिस्क्राइब करते हैं। ये कंडीशन मैं विरुआइड के रिस्पेक्ट में सोच लूँ, फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ। विरुआइड एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, प्लांट सेल को होस्ट के तौर पर यूज करता है, इसका केमिकल नेचर न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड का नेचर यहाँ आरएनए है, और वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, स्मॉल साइज का होगा, लेस देन 500 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, और उसका नेचर नॉन कोडिंग है। अगर मैं वायरस को अगर कंसीडर करता हूँ तो वायरस भी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट के तौर पे ये भी काम करता है। इनका होस्ट एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज भी हो सकता है, प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोट में प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, फंगल सेल भी हो सकता है। दूसरा कि यहाँ जेनेटिक मटेरियल का इसका केमिकल नेचर न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसका मतलब है कि यहाँ प्रोटीन भी प्रेजेंट है और न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड का नेचर डीएनए भी है और आरएनए भी है, इसका मतलब है कि मैं जब वायरसेस को डिस्क्राइब करूंगा तो जेनेटिक मटेरियल के नेचर के आधार पर मैं 2 कैटेगरी मेंशन करूंगा, एक डीएनए वायरस और दूसरा है आरएनए वायरस। अगर मैं डीएनए वायरस की बात करता हूँ, जैसे कि लैम्डा फाज की बात करता हूँ, तो लैम्डा फाज के केस में आप डीएनए मॉलिक्यूल शो करते हो एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है कि कुछ डीएनए वायरस के केस में डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कुछ में डबल स्टैंडर्ड, कुछ में लीनियर होता है, कुछ में सर्कुलर होता है, कुछ में मोनोपार्टाइट होता है, किसी में मल्टीपार्टाइट वाले कंडीशन शो करते हैं। तो देखो मैं यहाँ मोनोपार्टाइट और मल्टीपार्टाइट वाले कंडीशन को जो है मीन्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, इसको मैं किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते समय जो है डिस्क्राइब कर दूंगा। बट ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना हो रहा है कि अगर डीएनए वायरस है तो यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों कंडीशन हो सकते हैं, लीनियर और सर्कुलर दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अगर मैं आरएनए वायरस अगर शो कर रहा हूँ
तो आरएनए वायरस के केस में भी आप सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड दोनों कंडीशन शो करते हो, लीनियर और सर्कुलर दोनों कंडीशन शो करते हो। और यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग कोट करते हैं कि आरएनए का नेचर जो है ना पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब जेनेटिक मटेरियल का नेचर पूछा जाता है तो वो वायरसेस के केस में पूछा जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्रोकैरियोट के केस में जेनेटिक मटेरियल का नेचर जो ना पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में। और अगर मान लो कि मैं आरएनए वायरस शो कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे सेंस को जो ना डिस्क्राइब करना होगा कि पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस इनका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, मुक करूँ? यस सर, यस सर, यस सर, अब देखो सेंस के तौर पर मैं दो कैटेगरी शो कर रहा हूँ, या तो आप प्लस सेंस शो करते हो या पॉजिटिव सेंस मेंशन करते हो, और दूसरा कि आप माइनस सेंस शो करते हो या नेगेटिव सेंस शो करते हो। तो अब सपोज करो कि मैं एक वायरस शो कर रहा हूँ। अब ये वायरस होस्ट के तौर पर प्लांट को यूज कर रहा है, एनिमल को यूज कर रहा हो या बैक्टीरिया को यूज कर रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब है ही नहीं। मैं प्रोटीन का एक कैप्सिड को शो कर रहा हूँ, इस कैप्सिड के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट है। और जब होस्ट के अंदर ये इंटर किया, ये जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर इंटर किया, तो जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए, जब ये होस्ट के अंदर इंटर किया तो होस्ट के अंदर इंटर करने के बाद अगर ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करना स्टार्ट करते तो मैं इसको प्लस सेंस आरएनए के तौर पे डिस्क्राइब करूंगा। इट मींस कि अगर ये आरएनए होस्ट सेल के अंदर इंटर करने के बाद मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेवियर शो करे तो मैं इसको प्लस सेंस आरएनए के तौर पे डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन अगर यही आरएनए इंटर करने के बाद डीएनए के फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट के तौर पर काम करे तब भी आप इसको प्लस सेंस या पॉजिटिव सेंस आरएनए के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। यानी प्लस सेंस और पॉजिटिव सेंस वाले कंडीशन जो है दो सिचुएशन में शो करोगे, या तो इंटर करने के बाद डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करें, या इंटर करने के बाद डीएनए के फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट के तौर पे काम करें तो आप उसको प्लस सेंस या पॉजिटिव सेंस के तौर पे शो करोगे। लेकिन अगर ये आरएनए इंटर करने के बाद एक टेम्पलेट के तौर पे काम करे किसके लिए, तो मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। यानी आरएनए टेम्पलेट के तौर पे काम कर रहा है मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए, तो उस कंडीशन में आप उसको माइनस या नेगेटिव सेंस आरएनए के तौर पर शो करोगे। अब जैसे मान लो कि अगर मैं एचआईवी का केस लेता हूँ, एचआईवी रेट्रो वायरस है और यहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट है। जब ये आरएनए सेल के अंदर इंटर करता है तो वो डीएनए के फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट के तौर पर काम करता है, इसीलिए एचआईवी के केस में जो आरएनए होता है उसको प्लस सेंस आरएनए के तौर पर डिस्क्राइब करता हूँ। इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो होस्ट के अंदर इंटर करने के बाद टेम्पलेट के तौर पे काम करता है और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, तो आप उसे माइनस सेंस या नेगेटिव सेंस आरएनए के तौर पे शो करते हो। ये पार्ट क्लियर है? यस सर, थैंक यू। यस सर, देखो अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन कोट करूंगा वो सेलुलर ऑर्गेनिज के रिस्पेक्ट में करूंगा, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज के रिस्पेक्ट में कोई भी अगर मैं इंफॉर्मेशन अगर मेंशन करना चाहूंगा तो मैं पहले पॉइंट आउट करूंगा। अगर मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिकुलर जेनेटिक्स की जो बुक्स होती है उनमें ये मेंशन होता ही नहीं है कि जीनोम साइज इन केस ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज, वहाँ मेंशन होता है जीनोम साइज इन ऑर्गेनिज्म। भाई ऑर्गेनिज के तौर पे तो आप सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों कंसिडर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पहले ही स्पेसिफाई किया हूँ कि मैं सेलुलर ऑर्गेनिज के रिस्पेक्ट में कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और अगर सेलुलर ऑर्गेनिज है तो यहाँ जीनोम का नेचर क्या होगा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। उस जेनेटिक मटेरियल में डबल स्टैंडर्ड कंडीशन होंगे या सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन होगा उसे भी पॉइंट आउट करने की आवश्यकता नहीं, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन होता है कि जब आप जीनोम के साइज को एक्सप्रेस करते हो तो आपके पास एक्सप्रेस करने का यूनिट क्या है, किस यूनिट में आप जीनोम के साइज को एक्सप्रेस करते हो। जीनोम के साइज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बेस पेयर के टर्म में करूँ या मास के टर्म में करूँ, और उस मास को नॉर्मली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पिकोग्राम में। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10^-12 ग्राम। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बेस पेयर के टर्म में आप एक्सप्रेस करो या आप पिकोग्राम में एक्सप्रेस करो यानी मास के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, और आप चाहो तो पिकोग्राम को और नंबर ऑफ बेस पेयर को आप जो है रिलेट भी कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं 1 पिकोग्राम अगर मैं डीएनए अगर कंसीडर करता हूँ डबल स्टैंडर्ड तो इट इज इक्विवेलेंट टू 978 मेगा बेस पेयर। यानी अगर आपने बेस पेयर के फॉर्म में भी अगर साइज को कैलकुलेट किया तो आप उसको पिकोग्राम में चेंज कर सकते हो, या अगर आपने पिकोग्राम में साइज को मेजर किया तो आपको बेस पेयर के फॉर्म में आप उसको जो है ना चेंज कर सकते हो, क्योंकि 1 पिकोग्राम इज इक्विवेलेंट टू द 978 मेगा बेस पेयर। मेगा बेस पेयर का मतलब हुआ कि 978 × 10^6 बेस पेयर। ये पार्ट क्लियर है? यस सर। अब मैं एक कॉम्परेटिव पिक्चर जो है शो कर रहा हूँ कि जीनोम साइज इन केस ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं सिल्लो ऑर्गेनिज की बात करता हूँ तो सिल्लो ऑर्गेनिज के तौर पे मैं प्रोकैरियोट को भी कंसीडर करूंगा। यूकैरियोट्स में बहुत सारे जो है कैटेगरीज शो करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यूकैरियोट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ, लोअर यूकैरियोट्स एंड हायर यूकैरियोट्स, और एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूँ तो आप इकोलाई कंसिडर कर लो, लोअर यूकैरियोट की बात कर रहे हो तो बडिंग ईस्ट कंसिडर कर लो, हायर यूकैरियोट की बात कर रहे हो तो किसी मैमल या ह्यूमन को कंसिडर कर लो। तो क्वेश्चन है कि सेल्लो ऑर्गेनिज के केस में जीनोम के साइज का रेंज क्या है, और मैं रेंज साइज को मैं बेस पेयर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जब आप इनके रेंज की बात करोगे तो कुछ केसेज में 10^6 बेस पेयर से भी कम है, और कुछ में 10^11 बेस पेयर से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आप एक ब्रॉड रेंज शो कर रहे हो, कहीं ये 10^6 बेस पेयर से भी कम है और कहीं ये मोर देन 11 बेस पेयर से भी ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक ट्रेंड माइंड में रखना होगा कि ट्रेंड जो है आप क्या शो करते हो। प्रोकैरियोटिक जीनोम का साइज नॉर्मली जो है लोअर यूकैरियोटिक जीनोम साइज से छोटा होता है, लोअर यूकैरियोटिक जीनोम का साइज हायर यूकैरियोटिक जीनोम के साइज से छोटा होता है। हो सकता है कि इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आपको मिल जाए, बट मैं एक्सेप्शंस के तौर पर यहाँ ट्रेंड को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। जो मेजोरिटी ऑफ केसेज में आपको कंडीशन क्या मिलता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ सिचुएशन को मेंशन कर रहा हूँ। प्रोकैरियोट में जीनोम का साइज जो है आप छोटा शो करते हो एज कम्पेयर टू द लोअर यूकैरियोट, और लोअर यूकैरियोट में जीनोम का साइज छोटा शो करते हो एज कम्पेयर टू द हायर यूकैरियोट। अब क्वेश्चन है कि अगर मैं स्मॉलेस्ट जीनोम की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो स्मॉलेस्ट जीनोम हमें प्रोकैरियोट में मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीनोम का साइज सबसे छोटा शो कर रहा है, यस और सर, वो स्मॉलेस्ट जीनोम का साइज क्या होगा, लेस देन 10^6 बेस पेयर से भी कम होगा, और ये कंडीशन आप माइकोप्लाज्मा में शो करते हो, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। तो माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज है तो इसका मतलब ये सेल्लो ऑर्गेनिज है, और यहाँ जीनोम का साइज आप लेस देन 10^6 बेस पेयर शो करते हो। तो अब तक जो स्मॉलेस्ट जीनोम रिपोर्टेड है वो माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम के केस में रिपोर्टेड है, जहाँ जीनोम का साइज लेस देन 10^6 बेस पेयर आप शो करते हो। यहाँ तक क्लियर? यस सर, फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोट की तुलना में हायर यूकैरियोट्स में जीनोम का साइज ज़्यादा क्यों है, और ये मैं कंपैरिजन जो है ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की अगर मैं रिस्पेक्ट में करूँ और यूकैरियोट्स में भी हायर यूकैरियोट्स की बात करूँ, तो प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में हायर यूकैरियोट्स में जीनोम का साइज आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, कुछ तो रीजन होंगे। या अगर मैं प्रोकैरियोट और लोअर यूकैरियोट के कंपैरिजन में हायर यूकैरियोट्स में जीनोम का साइज आपको ज़्यादा मिलता है, कुछ तो रीजन होगा। यस अब सर, रीजन क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंट जीन्स। अब जैसे मैं प्रोकैरियोट के तौर पे इकोलाई कंसिडर किया और यूकैरियोट्स के तौर पे ह्यूमन कंसिडर किया, इकोलाई में प्रोटीन कोडिंग जीन्स के नंबर होते हैं 4200 अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ प्रोटीन कोडिंग जीन्स के नंबर होते हैं 21,000। अगर नंबर ऑफ डिफरेंट जीन अगर ज़्यादा होगा तो जीनोम का साइज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो मैं इस बात को भी मेंशन कर सकता हूँ कि ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंट जीन होने के कारण जीनोम का साइज यहाँ हायर है। दूसरी बात कि आप अगर हायर यूकैरियोट्स का केस लेते हो तो जीन के अंदर जो है इंट्रॉन्स का प्रेजेंस आप शो करते हो, जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया के केस में आप नहीं शो करते हो। अगर इंट्रॉन प्रेजेंट है तो जीन का साइज इंक्रीज होगा, जब एक जीन का साइज इंक्रीज होगा तो जीनों का साइज भी इंक्रीज होगा। तो दो रीजंस तो हो गए, या तो ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंट जीन्स या ग्रेटर साइज ऑफ द जीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन। यूकैरियोट्स में और खासकर हायर यूकैरियोट्स में आपको किसी जीन के सिंगल कॉपी भी मिलते हैं और किसी जीन के मल्टीपल कॉपीज भी मिलते हैं। अगर मान लो कि नंबर ऑफ जीन्स अगर मान लो कि 21,000 है, बट एक पर्टिकुलर जीन्स के जो है ना 5 कॉपीज हैं या 10 कॉपीज हैं या 200 कॉपीज हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ डिफरेंट जीन की बात करूँ तो वो तो 21,000 ही होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जीन के अगर मल्टीपल कॉपीज है तो उससे जीनोम का साइज तो इंक्रीज हो ही जाएगा। तो मोर देन वन कॉपी ऑफ जीन के कारण भी जीनोम का साइज आपको जो है इंक्रीज तो मिलता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हायर यूकैरियोटिक जीनोम के साइज इंक्रीज होने का, वो है ग्रेटर साइज ऑफ द नॉन कोडिंग डीएनए। जो नॉन कोडिंग डीएनए का जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट रीजन फॉर द हायर जीनोम साइज इन केस ऑफ द हायर यूकैरियोट्स, तो ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंट जीन्स, ग्रेटर साइज ऑफ जीन्स, मोर देन वन कॉपी ऑफ ए जीन्स, ग्रेटर साइज ऑफ द नॉन कोडिंग डीएनए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ग्रेटर साइज ऑफ द नॉन कोडिंग डीएनए। यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर, सर। देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिटेल वीडियो भी जो है ना आपके लिए अवेलेबल है, अगर कहीं अगर डाउट होगा कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप डिटेल वीडियो को भी देख सकते हो। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं कोट कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है एग्जामिनेशन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अच्छा, आपने देखा होगा कि बुक्स में एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी मेंशन होता है, सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स का मीनिंग क्या हुआ? तो पहले मैं डिफिनेशंस को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं एग्जांपल को कोट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। देखो, मैं टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को यहाँ मेंशन किया हूँ, एक एम्फीबियंस को बिलोंग कर रहा है और दूसरा मैमल को बिलोंग कर रहा है। एम्फीबियंस को बिलोंग कर रहा है तो उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ सेलेमेंडर के तौर पर शो कर रहा हूँ, और मैमल को बिलोंग कर रहा है तो मैं ह्यूमन के तौर पर शो कर रहा हूँ। अगर आप सेलेमेंडर का इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो मैमल के कंपेरिजन में एम्फीबियन जो है लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज है, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं। अगर मैं मैमल के रिस्पेक्ट में यस सेलेमेंडर सर, एम्फीबियंस को कंसिडर करूं तो वो तो लेस कॉम्प्लेक्स है। तो सेलेमेंडर एम्फीबियंस है तो मैमल के कंपेरिजन में लेस कॉम्प्लेक्स है। बट जब आप इनके जीनोम के साइज को मेजर करते हो तो ये जीनोम का साइज आपको मिलता है मोर देन 10^11 बेस पेयर, यानी जीनोम का साइज काफी ज्यादा है। चलो मैं कंपेयर करता हूँ ह्यूमन से। ह्यूमन मैमल को बिलोंग कर रहा है और मैमल जो है एम्फीबियंस के कंपेरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। बट जब आप इनके जीनोम के साइज को मेजर करते हो तो यहाँ आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 10^9 बेस पेयर। कहाँ 10^11 बेस पेयर से भी ज्यादा, कहाँ अप्रोक्सीमेटली 10^9 बेस पेयर। लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज के केस में जीनोम का साइज आपको हाइयर मिल रहा है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज के केस में जीनोम का साइज आपको लोअर मिल रहा है। इसका मतलब है कि जीनोम की साइज और ऑर्गेनिज की कॉम्प्लेक्सिटी में कोई रिलेशनशिप नहीं। हो सकता है कि ऑर्गेनिज लेस कॉम्प्लेक्स हो बट वहाँ जीनोम का साइज आपको ज्यादा मिले, हो सकता है कि ऑर्गेनिज मोर कॉम्प्लेक्स हो बट जीनोम का साइज आपको जो है ना कम मिले। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जीनोम का साइज और ऑर्गेनिज की कॉम्प्लेक्सिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज के केस में भी जीनोम का साइज आपको हायर मिल सकता है और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज के केस में भी जीनोम का साइज आपको जो है ना लोअर मिल सकता है। ये जो कंडीशन है इसको डिस्क्राइब किया गया सी वैल्यू पैराडॉक्स के तौर पर, क्योंकि जब आप डीएनए के अमाउंट को एक्सप्रेस करते हो तो उसे डिनोट करते हो सी से, तो इसीलिए यहाँ टर्म यूज किया गया सी वैल्यू पैराडॉक्स। और मैं डेफिनेशन क्या मेंशन किया हूँ, लैक ऑफ कोरिलेशंस बिटवीन द जीनोम साइज एंड ऑर्गेनिज कॉम्प्लेक्सिटी। ये बात समझ में आ गई? यस देखो, सर, जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टडी करते हो या क्लासिकल जेनेटिक्स स्टडी करते हो तो एवरी टाइम आप इस पर्टिकुलर टर्म से इनकाउंटर होते हो जीन। और जीन का जो डिफिनेशंस है या जो मीनिंग है वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। 1905 के दौरान जो जीन का मीनिंग आप कंसिडर करते थे और 2024 में जो जीन का जो मीनिंग आप कंसिडर करते हो, इनमें काफ़ी फर्क है। मैंने टाइम के साथ जीन का जो मीनिंग है वो इवॉल्व हुआ है, पहले कुछ और था, आज कुछ जो है अदर इंफॉर्मेशन के तौर पर जो ना डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं बिगिनिंग में जो जीन को डिफाइन कैसे किया गया था, जीन का मीनिंग क्या था, पहले उनको मेंशन करता हूँ। बीडल एंड टैटम अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर सबसे पहले इस बात को मेंशन किया कि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन एंजाइम, यानी उसने वन जीन वन एंजाइम के हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। बट बाद में इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया गया, क्योंकि एंजाइम्स जो है ना प्रोटीन्स होते हैं और सारे प्रोटीन एंजाइम के तौर पर काम नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी प्रोटीन है सारे प्रोटीन एंजाइम के तौर पर काम करेगा। मायोग्लोबिन अगर मैं प्रोटीन के तौर पर शो करता हूँ तो ये तो यस सर, कैटालिटिक प्रोटीन के तौर पे काम नहीं करता है। तो आप तो ये नहीं कह सकते हो कि सारे प्रोटीन जो है एंजाइम के तौर पे ही काम कर रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जो एंजाइम के तौर पे काम नहीं करता है, नॉन कैटालिटिक कंडीशन शो करता है। तो साइंटिस्ट ने जीन के डिफिनेशन को ज्यादा ब्रॉडर सेंस में जो है ना प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वन प्रोटीन। लेकिन जैसे ही आप इस डिफिनेशन को फॉलो करते हो कि वन जीन वन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, तो प्रोटीन के केस में आप दो कंडीशन शो करते हो, एक प्रोटीन का नेचर मोनोमरिक शो करते हो और एक मल्टीमेरिक शो करते हो, क्योंकि प्रोटीन तो मोनोमरिक भी होता है मल्टीमेरिक भी होता है। अगर यस सर, मोनोमरिक है तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना होगा और मल्टीमेरिक है तो अगेन आप दो कंडीशन शो करोगे। हो सकता है कि उस मल्टीमेरिक कंडीशन में जितने भी पॉलीपेप्टाइड पार्टिसिपेट कर रहा हो वो आइडेंटिकल हो तो आप उसको होमो मल्टीमर के तौर पर डिस्क्राइब करोगे, या हो सकता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट हो तो आप हेट्रो मल्टीमर के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। यानी प्रोटीन का नेचर मोनोमरिक भी हो सकता है और मल्टीमेरिक भी हो सकता है। मल्टीमेरिक है तो होमो मल्टीमर भी हो सकता है और हेट्रो मल्टीमेरिक कंडीशन भी हो सकता है। अगर मान लो कि वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये मोनोमरिक प्रोटीन के केस में तो एप्लीकेबल है, मायोग्लोबिन जैसे मोनोमरिक प्रोटीन के केस में एप्लीकेबल है। होमो मल्टीमेरिक कंडीशन में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड आप शो कर रहे हो तो मल्टीमेरिक नेचर होने के बावजूद भी चूंकि आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड है तो वहां भी ये कंडीशन लागू होगा। बट हेट्रो मल्टीमेरिक कंडीशन में कैसे होगा?
क्या एक जीन हीमोग्लोबिन के केस में आप अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन शो करते हो? क्या एक ही जीन अल्फा ग्लोबिन भी बनाएगा और बीटा ग्लोबिन भी बनाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस डिफिनेशंस को भी जो है मॉडिफाई किया गया, वन जीन वन प्रोटीन के कंसेप्ट को चेंज किया गया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, तो डिफिनेशन ज्यादा ब्रॉड हो गया। तो ये मोनोमरिक प्रोटीन और मल्टीमरिक प्रोटीन वाले कंसेप्ट को जो है ओवरकम कर दिया। बट क्वेश्चन ये होता है कि जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, अगर वो आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे बना तब तो वो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा। बट जो राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, जो नॉन कोडिंग आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आरएनए का फॉर्मेशन भी तो डीएनए के द्वारा हो रहा है। तो जीन के डिफिनेशन को फर्दर चेंज किया गया। तो जीन को डिफाइन किया गया कि ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए, मैंने डीएनए का कोई भी सेगमेंट अगर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए बना रहा है, वो आरएनए चाहे वो कोडिंग आरएनए हो नॉन कोडिंग आरएनए हो, आप उस सेगमेंट को जो है जीन के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। बट ऐसा भी तो नहीं है कि डीएनए का हर सेगमेंट जो है आरएनए का फॉर्मेशन ही करता है। अब जैसे मान लो कि मैं प्रोमोटर की बात करूं या इन्हांसर की बात करूं, अब ये इन्हांसर और जो प्रोमोटर है ये ट्रांसक्राइब सेगमेंट तो है नहीं, ये किसी आरएनए का फॉर्मेशन तो करता नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहा है। इसका मतलब है कि डीएनए का सेगमेंट आप कंसिडर कर रहे हो इन्हांसर के तौर पर, और इन्हांसर जो है ट्रांसक्राइब सेगमेंट नहीं है, ये किसी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, बट ट्रांसक्रिप्शन के रेट को ये पॉजिटिवली गवर्न कर रहा है। तो मैं इसको नॉन फंक्शनल सेगमेंट के तौर पे तो कंसिडर नहीं करूंगा, तो मैं इसको फंक्शनल सेगमेंट के तौर पे कंसिडर करूंगा। तो फिर जीन के डिफिनेशन को फर्दर जो है ब्रॉड किया गया कि डीएनए का ऐसा कोई भी फंक्शनल सेगमेंट, चाहे वो ट्रांसक्राइब्ड हो नॉन ट्रांसक्राइब्ड हो, अगर वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एज ए फंक्शनल सेगमेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो आप उनको जीन के तौर पर डिस्क्राइब करो। लेकिन अब तक मैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए की बात कर रहा हूं, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं कर रहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं मेंशन करता हूँ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो इसका मतलब है कि कुछ केसेज में आप जीन का नेचर जो है डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो मैं उसको ब्रॉडली मेंशन किया हूँ, ये फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और वो फंक्शनल सेगमेंट ट्रांसक्राइब्ड भी हो सकता है, नॉन ट्रांसक्राइब्ड भी हो सकता है। अगर ट्रांसक्राइब्ड है तो वो कोडिंग आरएनए भी बना सकता है, नॉन कोडिंग आरएनए भी बना सकता है। तो ये कंडीशन है। अब ये पार्ट क्लियर है? यस सर। देखो जब आप जीन्स को डिस्क्राइब करते हो, और मैं यहाँ जीन्स की बात कर रहा हूँ जो ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट के तौर पर जो ना काम कर रहा है, जो ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट के तौर पर काम कर रहा है, मैं उन जीन को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ जो फंक्शनल सेगमेंट के तौर पर काम कर रहा है बट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इंटर नहीं कर रहा है। तो मैं उन जीन की बात कर रहा हूँ जो ट्रांसक्राइब सेगमेंट के तौर पर काम कर रहा है। अगर कोई जीन ट्रांसक्राइब सेगमेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो वहां आपको दो कंडीशन मिल सकता है, या तो वहां आपको इंटरप्टेड कंडीशन मिलेगा, या आपको नॉन अनइंटरप्टेड कंडीशन मिलेगा। जो इंटरप्टेड कंडीशन आपको मिलता है, उसके कारण आप उसको इंटरप्टेड जीन के तौर पे डिस्क्राइब करते हो या स्प्लिट जीन के तौर पे डिस्क्राइब करते हो। अनइंटरप्टेड जीन को आप नॉन स्प्लिट जीन के तौर पे डिस्क्राइब करते हो। बट कंडीशन अब ध्यान में रखना, मैं एवरी जीन के रिस्पेक्ट में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन ट्रांसक्राइब सेगमेंट के रिस्पेक्ट में कंडीशन को मेंशन कर रहा हूँ जो आरएनए के फॉर्मेशन को जो ना कॉज कर रहा है। वहां दो कंडीशन है, एक कंडीशन है आप इंटरप्टेड जीन का, और दूसरा कंडीशन है अनइंटरप्टेड जीन का। इंटरप्टेड जीन का मतलब ये हुआ कि यहाँ इंट्रॉन्स जो ना प्रेजेंट है, मैं इंट्रॉन को आई से डिनोट कर रहा हूँ, और अनइंटरप्टेड जीन का मतलब हुआ कि यहाँ इंट्रॉन अब्सेंट, एक में इंट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरे में इंट्रॉन अब्सेंट। और इंट्रॉन के प्रेजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है सिच एंड अल्टमैन ने जो ना प्रपोज किया था, तो मैं यहाँ साइंटिस्ट के नेम को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पर जो ना मैं टारगेट कर रहा हूँ कि अगर इंट्रॉन प्रेजेंट है तो आप उसको स्प्लिट जीन के तौर पर शो करते हो, इंट्रॉन अगर अब्सेंट है तो आप उसको अनइंटरप्टेड जीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अगर ये कंडीशंस अगर आप शो करो, तो इट कंडीशंस इज कॉमन कॉमन इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये कंडीशन बहुत ही कॉमन है। और अगर मान लो कि मैं कॉमन कंडीशन अगर प्रोकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ, अगर मैं अनकॉमन कंडीशन अगर लिख रहा हूँ अनकॉमन, तो ये लोअर यूकैरियोट्स में, लोअर यूकैरियोट्स में ये कंडीशन अनकॉमन, और हायर यूकैरियोट्स में ये कंडीशन क्या है, रेयर है। अगर मैं रेयर कंडीशन की बात करूँ, तो ये कंडीशन हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी ट्रांसक्राइब सेगमेंट को जीन के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो ट्रांसक्राइब सेगमेंट इंटरप्टेड नेचर भी शो कर सकता है, अनइंटरप्टेड नेचर भी शो कर सकता है।
अगर इंटरप्टेड नेचर शो कर रहा है तो उस कंडीशन में इंट्रॉन प्रेजेंट होगा, और अनइंटरप्टेड कंडीशन अगर शो कर रहा है तो इंट्रॉन अब्सेंट होगा। इंट्रॉन प्रेजेंट कंडीशन जो है हायर यूकेरियोट्स में कॉमन है, लोअर यूकेरियोट्स में अनकॉमन है, प्रोकेरियोट्स में रेयर है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अनइंटरप्टेड जीन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोकेरियोट्स में ये कंडीशन कॉमन है, यानी मोस्ट ऑफ द जीन में इंट्रॉन अब्सेंट। लोअर यूकेरियोट्स जैसे कि मैं बडिंग ईस्ट का केस लेता हूँ तो मोस्ट ऑफ द जीन में इंट्रॉन जो है ना आपको प्रेजेंट नहीं मिलता है, यानी अनकॉमन है। और अगर मैं हायर यूकेरियोट्स की बात करूँ तो हायर यूकेरियोट्स में मोस्ट ऑफ द जीन में आपको इंट्रॉन का प्रेजेंस मिलता है, यानी अनइंटरप्टेड जीन वाले कंडीशन हायर यूकेरियोट्स में आप रेयर कंडीशन के तौर पर शो करते हो। यहाँ तक क्लियर? यस सर। देखो कभी कभी हम लोगों के माइंड में आता है कि स्यूडो जीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, होमोलोगस जीन का मीनिंग क्या हुआ, पैरालोगस जीन का मीनिंग क्या हुआ, ऑर्थोलोगस जीन का मीनिंग क्या हुआ। तो मैं यहाँ एक सिचुएशन मेंशन कर रहा हूँ कि अगर मान लो कि किसी भी प्रोसेस से जीन का डुप्लीकेशन हुआ है, किसी भी प्रोसेस से, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि वो प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन है या वो प्रोसेस जो है क्रोमोजोमल एब्रेजन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर मान लो कि मैं एंसेस्ट्रल जीन के तौर पर यहाँ दो जीन को शो कर रहा हूँ, ए और बी, दोनों के सिंगल कॉपी, डुप्लीकेशन के प्रोसेस से जीन ए के दो कॉपी डेवलप हुए, दिस इज द वन कॉपी एंड दिस इज द सेकेंड कॉपी, दो कॉपी डेवलप हुआ। डुप्लीकेशन के प्रोसेस से जब ये दो कॉपी डेवलप होगा तो ये दोनों कॉपी आइडेंटिकल कॉपी होगा, और डुप्लीकेशन के प्रोसेस से कैसे डेवलप हुआ है मैं इस बात को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब सपोज करो कि ये ओरिजिनल कॉपी था, उसका ये एक डुप्लीकेटेड कॉपी डेवलप हुआ। अब क्वेश्चन होता है कि इस डुप्लीकेटेड कॉपी का जो है फेट क्या रहेगा, ये आगे चल करके इस डुप्लीकेटेड कॉपी में किस तरह के चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे। तो जो डुप्लीकेटेड कॉपी है उनके फेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो अपने नेचर को मेंटेन रखा है, लेकिन उस ओरिजिनल कॉपी से जो एक एक्स्ट्रा कॉपी बना जिसको मैं डुप्लीकेटेड कॉपी के तौर पर शो कर रहा हूँ, उसका नियर फ्यूचर में फेट क्या होगा। जब आप इसके नियर फ्यूचर में फेट को फाइंड आउट कर दो तो इनके थ्री फेट्स जो ना पॉसिबल है। हो सकता है कि इन द ये जो डुप्लीकेटेड कॉपी है यहाँ टाइम के साथ किसी भी तरह का चेंजेज इंट्रोड्यूस ना हो, कोई भी जेनेटिक चेंज जो है यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ टाइम के साथ। और यहाँ मैं सपोज करूँ कि मैं टाइम मेंशन कर देता हूँ 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स के बाद इस पर्टिकुलर जीन जो डुप्लीकेटेड कॉपी के तौर पर आप कंसिडर करो, इसमें किसी भी तरह का जेनेटिक चेंज जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। उस जेनेटिक चेंज को आप नॉर्मली डिस्क्राइब करते हो डाइवर्जेंस के तौर पर, यानी कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ, यानी देर इज नो डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉपी था और जो डुप्लीकेटेड कॉपी था दोनों के सिक्वेंस सेम है। जब दोनों के सिक्वेंस सेम है तो दोनों के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो भी सेम होगा। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉपी फंक्शन परफॉर्म करेगा वही डुप्लीकेटेड कॉपी भी फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो दिस इज द वन फेट ऑफ द डुप्लीकेटेड जीन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जो डुप्लीकेटेड कॉपी था 1000 ईयर्स के दौरान इनमें बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, यानी आप यहाँ जेनेटिक डाइवर्जेंस वाले कंडीशन को शो कर रहे हो। तो इस कंडीशन में जो ओरिजिनल कॉपी था उनसे तो ये डिफरेंसेस जो शो कर रहा है, क्योंकि जब जेनेटिक चेंज हुआ तो ओरिजिनल कॉपी से ये डिफरेंसेस शो करेगा। जब डिफरेंसेस शो करेगा तो आइडेंटिकल फंक्शन या ओरिजिनल फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करेगा, हाँ थोड़ा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसको मैं रिलेटेड फंक्शन के तौर पर शो कर सकता हूँ। बट ये ध्यान में रहे कि ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस ना हो। एक मामूली सा डाइवर्जेंस हुआ जिनके कारण सिक्वेंस का नेचर ओरिजिनल कॉपी से जो है चेंज हो गया, लेकिन जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जो है रिलेटेड फंक्शन के तौर पे परफॉर्म हो रहा है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इस 1000 ईयर्स के दौरान इनमें इतने सारे जेनेटिक चेंजेज इंट्रोड्यूस हुए कि ये अपना ओरिजिनल जो है सिक्वेंस का नेचर ही जो है चेंज कर दिया। इतने सारे जेनेटिक चेंजेज यहाँ इंट्रोड्यूस हुए कि अब ये अपना सीक्वेंस का नेचर ओरिजिनल कॉपी से पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब इनके फंक्शन ही स्टॉप हो गए, अब ये कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो डुप्लीकेटेड कॉपी है उसमें किस तरह के जो है ना फेट आप शो करोगे, एक तो नो डाइवर्जेंस शो करोगे तो उस कंडीशन में ये ओरिजिनल फंक्शन परफॉर्म करेगा, डाइवर्जेंस शो करोगे बट उस डाइवर्जेंस के कारण यहाँ अभी फंक्शन चेंज हुआ है, फंक्शन स्टॉप नहीं हुआ है, यानी रिलेटेड फंक्शन शो कर रहा है, और डाइवर्जेंस इतना लार्ज स्केल में शो कर रहे हो ताकि ये अपने फंक्शन को ही पूरी तरह से स्टॉप कर दिया। तो डुप्लीकेटेड जीन का क्या फेट हो सकता है, इस डायग्राम से समझ में आ गया? यस सर। जो जेनेटिक चेंज है उस जेनेटिक चेंज को मैं यहाँ डाइवर्जेंस के तौर पर मेंशन किया, तो अगर यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं हुआ तो यानी कोई जेनेटिक चेंज यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, यहाँ डाइवर्जेंस हुआ तो एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस कितना है,
अब एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस यहाँ कम है तो सीक्वेंस अपने जो है फंक्शन को मेंटेन रखा है, बट थोड़ा फंक्शन चेंज हो रहा है लेकिन ऑलमोस्ट जो है ओरिजिनल फंक्शन के जो है बिल्कुल करीब है। और यहाँ तो इतने सारे जेनेटिक चेंज हुए कि सीक्वेंस का नेचर ही चेंज हो गया, अब ये कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आपने नाम सुना होगा स्यूडो जीन, इसको आप स्यूडो जीन के तौर यस पर सर, डिस्क्राइब करते हो। तो फेट ऑफ डुप्लीकेटेड जीन आप फाइंड आउट कर सकते हो। यस सर, आपने पढ़ा होगा होमोलोगस जीन के बारे में, पैरालोगस जीन के बारे में, ऑर्थोलोगस जीन के बारे में, ठीक। अगर मैं डेफिनेशन यस मेंशन सर, करूंगा तो हो सकता है कि डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से स्ट्राइक ना करे, तो डेफिनेशन को मैं बाद में मेंशन करता हूँ। मैं यहाँ कंडीशंस जो है पहले डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो कि मैं एक जीन शो किया हूँ और ये इसको मैं एक एंसेस्ट्रल जीन के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ, और इस एंसेस्ट्रल जीन से 1000 ईयर्स के दौरान फोर डिफरेंट जीन जो है ना डिराइव हुए। तो मैं जो फोर डिफरेंट जीन शो कर रहा हूँ उसमें A1, A2, A3, A4 शो कर रहा हूँ, जो 1000 ईयर्स के दौरान एक एंसेस्ट्रल जीन ए से डिराइव हुआ है। A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, ये सारे जो है एक सिंगल एंसेस्ट्रल कॉमन जीन से जो ना डिराइव हुआ है, तो मैं इन सारे जीन्स को होमोलोगस जीन की कैटेगरीज में रखूंगा। तो जो होमोलोगस जीन्स हैं वो शेयर करता है कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं फोर डिफरेंट जीन्स शो कर रहा हूँ A1 से लेकर के A4 तक, तो ये एक एंसेस्ट्रल जीन ए से ही तो डिराइव हुआ है। तो इस एंसेस्ट्रल जीन ए से जितने भी जीन डिराइव हुए 1000 ईयर्स के दौरान, आप इन सबों को होमोलोगस जीन के तौर पर जो ना कंसिडर करते हो। तो ये मीनिंग क्लियर है होमोलोगस जीन। यस सर, अच्छा मुझे बताओ, अगर ये जीन होमोलोगस है तो इनके बीच आपस में होमोलॉजी होगी, यस सर, इसके बीच आपस में सिमिलरिटीज होगी। यस सर, यस अगर सर, मान लो कि इसके बीच आपस में सिमिलरिटीज होगी तो इनके द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म होगा वहां भी सिमिलर फंक्शन आप शो करोगे, यस सर, यस सर, ठीक है। जब आप होमोलोगस जीन को क्लासिफाई करते हो तो होमोलोगस जीन के दो कैटेगरीज शो करते हो, उनमें से एक कैटेगरीज को आप कहते हो पैरालोगस और दूसरी कैटेगरीज को कहते हो ऑर्थोलोगस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में आप इसको सोचना मत। होमोलोगस जीन आपको समझ में आ गया तो पैरालोगस एंड ऑर्थोलोगस आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगी। देखो पहले मैं पैरालोगस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ये एक एंसेस्ट्रल जीन्स है, एक एंसेस्ट्रल जीन है। इस एंसेस्ट्रल जीन के डुप्लीकेशन से एक डुप्लीकेटेड कॉपी बना, ये ओरिजिनल कॉपी है, ये डुप्लीकेटेड कॉपी है। अब ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेटेड कॉपी दोनों में टाइम के साथ जो है जेनेटिक चेंज इंट्रोड्यूस हुए, जो ओरिजिनल कॉपी है और जो डुप्लीकेटेड कॉपी है उन दोनों में टाइम के साथ जो है जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब है कि आप वहां डाइवर्जेंस को शो कर रहे हो, और उस जेनेटिक चेंजेस के कारण अब ये जो ओरिजिनल कॉपी था उसको मैं A1 से डिनोट कर रहा हूं, और जो डुप्लीकेटेड कॉपी था डाइवर्जेंस के बाद अब ये A2 में चेंज हो गया। तो मुझे ये बता दो कि A1 और A2 इसी एंसेस्ट्रल जीन से तो डिराइव हुआ ना, यस सर, तो यस सर, जब किसी एंसेस्ट्रल जीन से जो है डिफरेंट जीन डिराइव होता है तो उसको होमोलोगस जीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। यस सर, यस सर, इसका मतलब है A1 और A2 को मैं होमोलोगस जीन के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ। यस सर, अब मुझे बताओ ये होमोलोगस जीन कैसे डेवलप हुआ, डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस के कारण। यस सर, यस सर, तो अगर होमोलोगस जीन डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस के कारण डेवलप होता है तो उसको कहते हैं पैरालोगस। कैसे? अगर होमोलोगस जीन डिराइव हो रहा है डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस के कारण तो आप उस कंडीशन में टर्म यूज करते हो पैरालोगस। तो आप क्वेश्चन होता है कि ऑर्थोलोगस में क्या में फर्क है। आप देखो एक स्पीसीज है एक्स, इस स्पीसीज में एक जीन प्रेजेंट है जिसको मैं ए से डिनोट किया हूं, ऑब्वियसली इसको मैं एक एंसेस्ट्रल जीन के तौर पर शो कर रहा हूं। इस स्पीसीज एक्स का इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान स्पीसिएशन हो गया, इस स्पीसीज एक्स से टू नए डिफरेंट स्पीसीज जो है डिराइव हुए। स्पीसिएशन के प्रोसेस से टू डिफरेंट स्पीसीज जो है डिराइव हुआ, एक स्पीसीज वाई है और दूसरा स्पीसीज है जेड। तो ये जो एंसेस्ट्रल जीन ए है ये दोनों स्पीसीज में इंटर किया, वाई में भी इंटर किया, जेड में भी इंटर किया। आफ्टर सेवरल ईयर्स इस पर्टिकुलर जीन में जो जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस हुआ वो जेनेटिक चेंज के कारण ये A1 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस हुआ ये A2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस तो आप यहाँ भी शो कर रहे हो, लेकिन डाइवर्जेंस किसके बाद शो कर रहे हो, तो स्पीसिएशन के बाद शो कर रहे हो। तो स्पीसिएशन के बाद डाइवर्जेंस के कारण जो होमोलोगस जीन डेवलप हुआ उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोलोगस।
और डुप्लीकेशन के बाद डाइवर्जेंस के कारण जो होमोलोगस जीन डेवलप हुआ उसे क्या कहेंगे? पैरालोगस। तो होमोलोगस जीन आप इन दोनों कैटेगरीज में आप जो है मेंशन कर रहे हो, क्योंकि एक एंसिस्ट्रल जीन से जो है टू डिफरेंट जीन डिराइव हुआ है, एक एंसिस्ट्रल जीन से टू डिफरेंट जीन डिराइव हुआ है, बट एक में क्या था? डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस, और दूसरे में क्या था? स्पेसिएशन एंड डाइवर्जेंस। तो मुझे बताओ स्पेसिएशन एंड डाइवर्जेंस के कारण जो होमोलोगस जीन बना उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोलोगस। ऑर्थोलॉगस और यस डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस के कारण जो होमोलोगस जीन बना उसे क्या कहेंगे? पैरालोगस पैरालोग तो सिंपल है ना कंसेप्ट। देखो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं जीन फैमिली, और ये टर्म यूज करने के पीछे रीजन क्या होता है पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड करो। अगर मान लो एक ही पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स को अगर आप कंसीडर करते हो तो वो मेंबर्स या तो आइडेंटिकल होगा या रिलेटेड होगा। आपको अगर आइडेंटिकल तो नहीं होते, अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्वीन कंसीडर करोगे तो वो आइडेंटिकल कंडीशन शो करेगा, बट नॉर्मली आप वहाँ रिलेटेड कंडीशन शो करते हो, क्योंकि एक ही फैमिली के अगर मेंबर्स हैं तो वो एक ही एंसिस्टर जो है ना कपल से जो है डेवलप हुए हैं, तो उनके यस बीच आपस में जो है ना रिलेटेडनेस होगा। यस सर ठीक है, उसी तरह से अगर मैं ए सेट ऑफ जीन को कंसिडर कर रहा हूँ जो जिसके सिक्वेंस जो है ना रिलेटेड है, तो मैं उस सेट ऑफ जीन को जो है जीन फैमिली के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। यस सर जैसे किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के सारे मेंबर अगर आपस में रिलेटेडनेस शो कर रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन नहीं शो कर रहा है बट रिलेटेड कंडीशन अगर शो कर रहा है, तो वो एक कॉमन एंसिस्टर से डिराइव हुए हैं। उसी तरह से अगर मान लो मैं एक सेट ऑफ जीन को कंसिडर कर रहा हूँ, उनके सिक्वेंस जो है बहुत हद तक जो है ना रिलेटेड कंडीशन शो कर रहा है, तो मैं उन सेट ऑफ जीन को जो है जीन फैमिली के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा। और अगर मान लो कि मेंबर्स जो है ना रिलेटेड हैं, तो कुछ बुक्स में लिखा होता है कॉम्प्लेक्स जीन फैमिली, तो मैं यहाँ जीन फैमिली को कॉम्प्लेक्स जीन फैमिली के तौर पर ही कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिंपल जीन फैमिली और कॉम्प्लेक्स जीन फैमिली दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा तो उनमें कंफ्यूजन होगा। तो बेटर है कि अगर मैं जीन फैमिली मेंशन करूं या कॉम्प्लेक्स जीन फैमिली मेंशन करूं तो दोनों का मीनिंग आप सेम लेकर चलो। और अगर कॉम्प्लेक्स जीन फैमिली के है तो जो मेंबर्स होंगे वो रिलेटेड होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोबिन जीन फैमिली, और मैं ग्लोबिन जीन फैमिली के कंडीशंस को जो है ह्यूमन के केस में मेंशन कर रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि ग्लोबिन जीन फैमिली में दो सब फैमिली होता है, एक अल्फा ग्लोबिन जीन सब फैमिली और दूसरा बीटा ग्लोबिन जीन यस सब सर फैमिली। और अगर मैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो अल्फा ग्लोबिन जीन सब फैमिली के मेंबर जो है 16th क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है, बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली के मेंबर 11th क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है। ये मैं कंडीशन ह्यूमन के रिस्पेक्ट में मेंशन क्यों, और इस कंडीशन को मैं पहले भी डिस्कस किया हूं जब मैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के रेगुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा था। जीन फैमिली को मैं वहां भी मेंशन किया था ग्लोबिन जीन फैमिली के यस केस सर में। तो अगर मैं ग्लोबिन जीन फैमिली के दो सब फैमिली को शो कर रहा हूँ, अल्फा ग्लोबिन जीन फैमिली और बीटा ग्लोबिन सब फैमिली, तो अल्फा ग्लोबिन सब फैमिली के जो लोकेशन है वो ह्यूमन के 16th क्रोमोजोम पर, और बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली के जो लोकेशंस हैं वो 11th नंबर क्रोमोजोम पर है। अब अल्फा ग्लोबिन जीन फैमिली के मेंबर कौन कौन से हैं? तो अल्फा है, जीटा है, थीटा है। थीटा का रोल क्लियर नहीं है बट अल्फा और जीटा का रोल क्लियर है। बीटा ग्लोबिन जीन सब फैमिली के मेंबर में आप बीटा शो करते हो, डेल्टा शो करते हो, गामा शो करते हो, इप्सिलॉन शो करते हो। अब आप इन जीन के प्रोडक्ट के बारे में सोच कर देखो, अगर अल्फा है तो अल्फा ग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, जीटा है तो जीटा ग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, बीटा है तो बीटा ग्लोबिन फॉर्मेशन करेगा, डेल्टा है तो डेल्टा ग्लोबिन फॉर्मेशन करेगा, गामा गामा पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, इप्सिलॉन। अब मुझे बताओ कि ये सारे जितने भी अल्फा बीटा जीटा गामा जितने भी ग्लोबिन शो कर रहा हूँ ये सारे ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे काम करता है, ये सारे ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे काम करता है। तो फर्क ये हो यस सकता है कि कोई ज्यादा एफिनिटी से बाइंड करता होगा, कोई कम एफिनिटी से बाइंड कर रहा हूँ, बट करना तो सबको है ऑक्सीजन से बाइंडिंग ही। तो इसलिए अगर सिक्वेंस का नेचर रिलेटेड है तो फंक्शन भी रिलेटेड होंगे। अगर अल्फा ग्लोबिन जीन सब फैमिली के मेंबर ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली के मेंबर भी जो है ऑक्सीजन से बाइंडिंग शो करेगा। हाँ ये हो सकता है कि कोई हाई एफिनिटी से बाइंडिंग शो करे, कोई लेस एफिनिटी से बाइंडिंग शो करे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द जीन फैमिली। ये क्लियर है? यस सर आपने स्यूरो जीन के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई से, सिंबलाइज करते हैं। नॉन फंक्शनल कॉपी ऑफ ए जीन जो कि किसी फंक्शनल जीन से डिराइव हो रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि मैं किसी जीन को शो कर रहा हूँ जो फंक्शनल जीन के तौर पर काम कर रहा है, इन द कोर्स ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर जीन में इतने सारे चेंजेज हो गए
कि ये जीन अब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। हो सकता है कि ये आरएनए का फॉर्मेशन ना करे, हो सकता है आरएनए का फॉर्मेशन करे आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो सकता है आरएनए भी बनाए प्रोटीन भी बनाए लेकिन वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल प्रोटीन के तौर पर डेवलप हो। तो मैं उस कंडीशन में इस जीन को डिस्क्राइब करूंगा एज ए सीडो जीन के तौर पर। तो सीडो जीन का मतलब हुआ कि पहले वो एक फंक्शनल जीन के तौर पर काम कर रहा था लेकिन डाइवर्जेंस के कारण जेनेटिक चेंज के कारण वहां अब नॉन फंक्शनल कंडीशन जो ना डेवलप हो गया। तो अगर कोई नॉन फंक्शनल जीन किसी फंक्शनल जीन से डिराइव होता है तो उसको आप सीडो जीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। और सीडो जीन के टू डिफरेंट टाइप्स आप शो करते हो, एक कन्वेंशनल सीडो जीन शो करते हो, दूसरा प्रोसेस सीडो जीन शो करते हो। कन्वेंशनल सीडो जीन का मतलब ये हुआ कि आप वहां प्रोसेसिंग वाले कंडीशन को नहीं शो किए और वो अपने फंक्शन को जो है इन द कोर्स ऑफ टाइम लूज कर दिया डाइवर्जेंस के कारण। और दूसरा होता है प्रोसेस सीडो जीन कि प्रोसेसिंग के कारण वो एक नॉन फंक्शनल कंडीशन को जो है डेवलप कर दिया। तो सीडो जीन इज द नॉन फंक्शनल कॉपी ऑफ ए फंक्शनल जीन, और अगर ये नॉन फंक्शनल कॉपी ऑफ ए फंक्शनल जीन है तो ये इनका दो अलग अलग नेचर आप शो कर सकते हो, या तो कन्वेंशनल शो कर सकते हो या प्रोसेस शो कर सकते हो। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन जो ना पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन जो है कितने हैं। सपोज करो कि मैं ई कोलाई के केस में मेंशन कर रहा हूँ कि देर आर 4200 जीन्स। अगर मान लो कि यहाँ 4200 जीन्स अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो इससे ये तो नहीं पता चल रहा है कि ये जीन जो है मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है या राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है या ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है या किसी अदर नॉन कोडिंग आरएनए का फंक्शन कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं बाय डिफॉल्ट इसको क्या मान के चलूँ, तो मैं बाय डिफॉल्ट इनको प्रोटीन कोडिंग जीन के तौर पर कंसिडर करूँगा। इसका मतलब है ये जीन प्रोटीन कोडिंग जीन के तौर पर काम कर रहा है तो ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा और उस मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो बुक में जब जीन के नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन आप टेबुलर फॉर्म में देखते हो तो वो बेसिकली प्रोटीन कोडिंग जीन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जो है टेबल में मेंशन नहीं होता, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नंबर मेंशन किया गया है वो प्रोटीन कोडिंग जीन के रिस्पेक्ट में किया गया। और मैं प्रोटीन कोडिंग जीन के इवोल्यूशनरी ट्रेंड को अगर मैं मेंशन करूं तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड को देखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रोकैरियोट्स में देखो, फिर लोअर यूकैरियोट्स में इस कंडीशन को चेक करो और फिर हायर यूकैरियोट्स में इस कंडीशन को चेक करो, तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स के नंबर जो है उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है। तो मैं यहाँ एक टेबल को जो है पार्ट टू की बुक से जो है मैं यहाँ कैप्चर किया हूँ। ई कोलाई इसको मैं प्रोकैरियोट मान लेता हूँ, इसको मैं लोअर यूकैरियोट मान लेता हूँ और ह्यूमन को हायर यूकैरियोट मान लेता हूँ। आप देखो जीनोम का साइज इंक्रीज होता है, ये मैं पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि प्रोकैरियोट का जीनोम का साइज आप नॉर्मली छोटा शो करते हो, लोअर यूकैरियोट का जीनोम साइज उससे ज़्यादा लार्जर होता है और हायर यूकैरियोट्स का जीनोम का साइज आप काफ़ी लार्जर शो करते हो। लेकिन सिर्फ जीनोम का साइज आप लार्जर नहीं शो करते हो, प्रोटीन कोडिंग जीन्स के नंबर भी आप देखो आप हायर शो करते हो। यानी ई कोलाई के केस में प्रोटीन कोडिंग जीन के नंबर हैं 4288, जबकि आप सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के केस में ये वैल्यू शो करो 6275 और ह्यूमन के केस में ये वैल्यू आप शो करो 21,000। तो ट्रेंड तो आपको पता चल गया कि प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन कोडिंग जीन के नंबर कम होंगे एज कम्पेयर टू द लोअर यूकैरियोट, और लोअर यूकैरियोट्स में ये पर्टिकुलर वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू द हायर यूकैरियोट्स। तो कम से कम ट्रेंड आपको मालूम होनी चाहिए कि ट्रेंड किस पर्टिकुलर वे में जो है आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड किस पर्टिकुलर वे में आपको मिलता है। ये पार्ट क्लियर है? देखो मैं इस टेबल को मेंशन क्यों हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करो कि जीनों का साइज को आप मेमोराइज कर रहे हो, प्रोटीन कोडिंग जीन्स के नंबर को मेमोराइज कर रहे हो, ये नहीं है। सिर्फ मैं ट्रेंड को जो है पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपको ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक जीन प्रोटीन कोडिंग जीन्स में नंबर जो है प्रोकैरियोट्स में कम होगा और हायर यूकैरियोट्स के केस में हायर ज़्यादा होगा। देखो अगर मान लो कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड को आप देखो तो लोअर यूकैरियोट्स की तुलना में हायर यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स ज़्यादा है। अगर मैं प्रोटीन कोडिंग जीन्स के रिस्पेक्ट में ही बात करूं तो लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज के कंपैरिजन में हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज में जो है जीन के नंबर ज़्यादा है। अगर मैं प्रोटीन कोडिंग जीन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो प्रोटीन कोडिंग जीन के नंबर भी ज़्यादा है। तो फिर क्वेश्चन होता है कि इस तरह से नंबर ऑफ जीन इंक्रीज कैसे हो गया। लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज जब हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज में इवॉल्व हुआ तो उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ जीन कैसे इंक्रीज हो गए, कैसे नए जीन को वो एक्वायर कर लिया, उस बात को मैं यहाँ एक्विजिशन ऑफ न्यू जीन के तौर पे मेंशन किया हूँ। क्योंकि आपको ये बात तो मालूम है
कि जितने भी ऑर्गेनिक्स अभी अर्थ पे प्रेजेंट है वो किसी कॉमन एंसिस्टर से डिराइव हुआ है। अगर वो कॉमन एंसिस्टर से डिराइव हुआ है तो वो लोअर यूकेरियोट को रिप्रेजेंट करता होगा, और लोअर यूकेरियोट से जब हायर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिक्स डिराइव हुए तो वहां नंबर ऑफ जीन्स जो है लोअर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिक्स की तुलना में आपको ज्यादा मिल रहा है। तो ये नए जीन्स एक्वायर कैसे हुए, वो कौन सा तरीका था कि जब इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ जीन्स इंक्रीज हो गए? इनके तीन रीजन्स हैं। पहला रीजन तो ये है कि हो सकता है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान बहुत सारे जीन का डुप्लीकेशन हुआ, डुप्लीकेशन के बाद उनमें जेनेटिक चेंजेस हुए यानी डाइवर्जेंस हुआ, जिनके कारण नए जीन जो है ना डेवलप हो गए। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि हो सकता है सर। लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से जब हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ तो उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि लोअर यूकैरियोटिक जीन्स का डुप्लीकेशन हुआ, उनमें जेनेटिक चेंजेस हुए जिनके कारण जो है बहुत सारे नए जीन जो है ना डिराइव हो गए और वो नंबर ऑफ जीन जो है ना इंक्रीज हो गया इवोल्यूशन के प्रोसेस से। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर के प्रोसेस से नए जीन एक्वायर कर ले। आपको कि ये एग्जाम्पल क्या नेचर में है, आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के बारे में पढ़ते हो, यस और सर। प्लांट सेल में वो अपने जीन को इंट्रोड्यूस करता है, यस क्योंकि सर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का जो टी आई प्लाज्मिड होता है उसमें जो टी डीएनए वाला पोर्शन होता है उसमें ओपाइन के फॉर्मेशन के जीन होते हैं, साइटोकाइन के फॉर्मेशन के साइटोकाइनिन के फॉर्मेशन का जीन होता है और ऑक्सिन के फॉर्मेशन का जीन होता है। यस वो सर। जीन जो है ट्रांसफर्ड होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल के जीनोम से जाकर के इंटीग्रेट होता है। तो बताओ प्लांट सेल के जीनोम से जाकर के इंटीग्रेट होता है तो उस कंडीशन में आप जीन ट्रांसफर के प्रोसेस को हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर के प्रोसेस के तौर पर शो कर रहा हूँ, यस और सर। ये तो मैं यस सर। एक कंडीशन शो कर रहा हूँ। ऐसे कंडीशन इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान बहुत सारे हुए होंगे जिनके कारण नंबर ऑफ जीन जो है इंक्रीज हो गया होगा। और तीसरा कंडीशन है डी नोवो ओरिजिन। तो कभी कभी हम लोगों के माइंड में आता है कि डी नोवो ओरिजिन का मीनिंग क्या हुआ। सपोज करो कि मैं एक नॉन कोडिंग सेगमेंट को यहाँ शो कर रहा हूँ, ये किसी मैसेंजर आने का या किसी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम सपोज करो कि 1 मिलियन ईयर्स के दौरान इनमें बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए। उस चेंजेस के इंट्रोड्यूस होने के कारण अब ये एक फंक्शनल जीन के तौर पर जो ना काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले ये एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस था, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान जब यहाँ डिफरेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए तो वो एक प्रोटीन फॉर्मिंग जीन में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको डीनोवो ओरिजिन के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि किसी जीन के डुप्लीकेशन से तो डेवलप हुआ नहीं, या किसी ऑर्गेनिज से ये जीन जो है प्रोटीन कोडिंग जीन के तौर पर एक्वायर्ड तो हुआ नहीं, बल्कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस था वहां चेंजेस के कारण अब एक प्रोटीन कोडिंग जीन वाले कंडीशन डेवलप हो गए। तो मैं उसको डीनोवो ओरिजिन के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा। यस सर। तो यस अगर सर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोअर यूकेरियोट से जब हायर यूकेरियोट इवॉल्व हुआ तो प्रोटीन कोडिंग जीन्स या टोटल नंबर ऑफ जीन्स के नंबर इंक्रीज कैसे हो गए, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस के कारण, एक्विजिशन एक्वायरिंग जीन्स फ्रॉम द अदर स्पीसीज यानी हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर के कारण, और डी नोवो ओरिजिन के कारण। और भी रीजन्स हैं बट वो रीजन्स उतना जो है मेजर रीजन्स के तौर पर हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसलिए मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मूव करूँ? यस सर। यस सर। देखो जब आप किसी जीनोम को डिस्क्राइब करते हो, जीनोम को डिस्क्राइब करते हो तो जीनोम में दो तरह के सीक्वेंसेस को शो करते हो, एक यूनिक सीक्वेंसेस को शो करते हो, दूसरा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को शो करते हो। और जब आप रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को शो करते हो तो वहां भी दो कंडीशन शो करते हो, मॉडरेटली रिपीटेटिव और हाईली रिपीटेटिव। तो हम लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि यूनिक सीक्वेंसेस किसको कंसिडर करें या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस किसको कंसिडर करें। तो सपोज करो कि ये मैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए शो कर रहा हूँ, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक पर्टिकुलर पोर्शन को सेलेक्ट किया। अब कितना बड़ा पोर्शन सेलेक्ट किया ये मैटर नहीं करता है, आप ये 10 KB का भी पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हो, 100 KB के पोर्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब इस पोर्शन को जो मैं सेलेक्ट किया, हमें इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कोडिंग है नॉन कोडिंग है फंक्शनल है नॉन फंक्शनल है, हमें इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस मैंने इस पर्टिकुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एक सेगमेंट को जिसका साइज 10 KB का है उसको सेलेक्ट किया। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ऐसा कोई सिक्वेंस और भी यहाँ प्रेजेंट है। तो मैंने देखा कि ये जो 10 KB का जो सिक्वेंस है इसका और कोई जो है ना कॉपी नहीं प्रेजेंट। अब ये कोडिंग है नॉन कोडिंग है मैटर नहीं कर रहा, ये ट्रांसक्राइब सीक्वेंस है नॉन ट्रांसक्राइब सीक्वेंस है मैटर नहीं कर रहा, बट मैंने रैंडमली एक पर्टिकुलर जो है ना सेगमेंट को लिया, उसका साइज मैं 10 KB यहाँ मेंशन किया, आप 100 KB का साइज का भी ले सकते हो। अब देखो कि क्या उस पर्टिकुलर सेगमेंट का कोई आइडेंटिकल कॉपी और जीनोम में प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो
तो वो यूनिक सिक्वेंसेस। लेकिन अगर मान लो 10 KB का मैं एक सिक्वेंस को जो है यहाँ सेलेक्ट किया, इसके दो और कॉपी प्रेजेंट हैं, तो मैं इसको रिपीटेटिव सिक्वेंसेस के तौर पर शो करूंगा। अगर रिपीटेशंस बहुत ज्यादा है तो हाईली रिपीटेटिव कहेंगे, और रिपीटेशंस अगर कम है तो मॉडरेटली रिपीटेटिव कहेंगे। अगर मान लो कि 100 से कम रिपीटेशन शो कर रहा हूँ या 1000 से कम रिपीटेशन शो कर रहा हूँ तो मॉडरेटली है, और अगर मान लो कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन आप शो कर रहे हो, थाउजेंड्स में शो कर रहे हो, मिलियंस में शो कर रहे हो, तो हाईली रिपीटेटिव सिक्वेंसेज है। अब तो ये क्लियर हो गया। यस सर। तो क्या इस बात की जरूर इस बात के लिए आपको ये मेंशन करना होगा कि यूनिक सिक्वेंसेज हैं तो वो कोडिंग है या नॉन कोडिंग है? हमें कोई मतलब नहीं, नो सर। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो सिक्वेंस मैंने सेलेक्ट किया, क्या इस सिक्वेंस का और भी कॉपी प्रेजेंट है? अगर एक भी कॉपी यस और सर। नहीं प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा कि ये यूनिक सिक्वेंस है। यस लेकिन सर। अगर उसके मल्टीपल कॉपीज आपको जीनोम में मिल रहा है तो हम कहेंगे रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव है तो या तो वो मॉडरेटली रिपीटेटिव हो सकता है या हाईली रिपीटेटिव हो सकता है। ठीक है, वो करो। यस सर। अच्छा, आपने एक टर्म सुना होगा जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। जब आप पुरानी बुक्स को कवर करोगे तो जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी में दो कैटेगरीज आप मेंशन करते थे, एक था केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा था काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो रिसेंट की जितनी भी बुक्स आती हैं उनमें केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है मेंशन नहीं होता, वहाँ सिर्फ काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन होता है। यानी जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी को आप काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के तौर पर जो है ना मेंशन करते हो। अब क्वेश्चन होता है कि जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको मैं काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ? कब जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी हायर होगा, जब कब जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना आपको कम मिलेगा? तो अगर मान लो कि मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ जिसमें जो सीक्वेंस मैं कंसिडर किया हूँ वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है। हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज और मिलियंस ऑफ कॉपीज को आप कंसिडर कर रहे हो। तो अगर किसी जीनोम में हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट है और उस पर्टिकुलर जो है ना सीक्वेंस को अगर आप फ्रेगमेंटेड कंडीशन में लाते हो और फिर रीनेचुरेशन के प्रोसेस को अप्लाई करते हो, तो हाई रीनेचुरेशन रेट से जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर से मेरी बात सुनो, जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी से मेरा मतलब जो है ना काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। अब क्वेश्चन होता है कि काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट कैसे करें? तो सपोज करो कि मैं एक हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को लिया। हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का मतलब हुआ कि जो रिपीटेटिंग यूनिट है उनके थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रेजेंट है। उस हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को मैं फ्रेगमेंटेड किया, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में मैं ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसको डीनेचर किया, यानी हर फ्रेगमेंट के डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं उसको एक ऐसे जो है टेस्ट ट्यूब में रखा जहाँ जो है रीनेचुरेशन के प्रोसेस में वो इंटर करे, तो पता चला कि जो रीनेचुरेशन का रेट था वो बहुत ही हाई था। अगर रीनेचुरेशन का रेट बहुत हाई है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू आपको यहाँ कम मिल रहा है। तो इट मीन्स कि अगर हाईली रिपीटेटिव सिक्वेंसेज हैं तो रीनेचुरेशन रेट आपको हाई मिलेगा और काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू आपको कम मिलेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू प्रोकैरियोट, लोअर यूकैरियोट और हायर यूकैरियोट में कैसे वेरी करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का प्रोपोर्शन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का प्रोपोर्शन हायर यूकैरियोट्स में आपको ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द लोअर यूकैरियोट। लोअर यूकैरियोट में आपको ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द हायर एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोट। अगर मैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो यहाँ जीनोम में आपको हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑलमोस्ट नहीं मिलता है, जबकि लोअर यूकेरियोट्स में हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का प्रेजेंस काफी कम होता है और हायर यूकेरियोट्स में हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है तो रीनेचुरेशन रेट का वैल्यू जो है हायर यूकेरियोट्स के केस में आपको हाई मिलेगा, और जहां हाई रीनेचुरेशन रेट आपको मिलता है वहां काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू जो है आपको कम मिलता है। तो यस काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को रिलेट किससे करोगे? रिपीटेटिव नेचर ऑफ द सीक्वेंस है। अगर हाई यस सर। रिपीटेटिव सीक्वेंसेज हैं तो रीनेचुरेशन का रेट ये पर्टिकुलर सीक्वेंसेज जो है ना बहुत हाई शो करेगा, इसका मतलब है कि काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू कम होगा। तो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेज प्रोकैरियोट में अब्सेंट है, लोअर यूकैरियोट में हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेज का प्रोपोर्शन आप बहुत कम शो करते हो और हायर यूकैरियोट्स में ज्यादा शो करते हो। तो मुझे बताओ काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोट की सबसे ज्यादा होगी, लोअर यस सर। यूकैरियोट की उससे कम होगी और हायर यूकैरियोट्स की सबसे कम होगी। तो यस अगर सर। मैं एग्जाम्पल शो करूं कि अगर मैं ह्यूमन को और ई कोलाई के जीनोम को सेलेक्ट किया, ह्यूमन के जीनोम से 10^6 बेस पेयर को सेलेक्ट किया
इकोलाई के जीनोम से भी 10^6 बेस पेयर को सिलेक्ट किया। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी शो करेगा? इक्वली ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन के केस में हाई रिपीटेटिव सीक्वेंसेज जो ना ज्यादा है, यस और सर, इकोलाई के केस में हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल परसेंट है। तो काइनेटिक यस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा होगी? जहां हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेज का वैल्यू कम हो। इक्वली जहां हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेज का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू क्या शो करोगे? यस सर, लेस शो करेंगे। तो मुझे बताओ कि ह्यूमन का जीनोम ज्यादा काइनेटिकली कॉम्प्लेक्स है या इकोलाई का जीनोम काइनेटिकली मोर इक्वली कॉम्प्लेक्स? इकोलाई का लेकिन इकोलाई लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम अगर मेंशन पकड़ता तो आपको लगता है कि ह्यूमन का जीनोम जो है मोर कॉम्प्लेक्स होगा और काइनेटिकली कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू द इकोलाई। लेकिन जो मैं सी वैल्यू पैराडॉक्स शो किया था उसमें जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे। वहां मैंने मेंशन किया था कि सेलेमेंडर लेस इवॉल्व जो है ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन मोर इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है। तो आप ह्यूमन को मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज के तौर पर कंसिडर करते हो और सेलेमेंडर को लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज के तौर पर कंसिडर करते हो, बट जब आप जीनोम के साइज को कंपेयर करते हो तो सेलेमेंडर में आपको ज्यादा मिलता है और ह्यूमन के केस में कम मिलता है। तो वहां जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे और जीनोम के साइज की बात कर रहे थे। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां मैं काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं। और काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी वाले कंडीशन किस पर डिपेंड करता है? तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के प्रोपोर्शन पर। अगर हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू कम होगा, और हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का वैल्यू अगर मान लो कि कम है तो काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू जो है ज्यादा होगा। यानी प्रोकैरियोट्स की काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू आप सबसे ज्यादा शो करोगे एज कंपेयर टू द लोअर यूकैरियोट, और लोअर यूकैरियोट का काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू हायर यूकैरियोट की तुलना में आपको ज्यादा मिलेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर, देखो जब मैं डीएनए डीनेचुरेशन के प्रोसेस को मेंशन कर रहा था तो वहां मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा था, बाइंड डेंसिटी। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम बाइंड डेंसिटी किसी डीएनए का जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बाइंड डेंसिटी अगर मान लो कि फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए बेटर होता है कि आप जीसी के प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करो। अगर आपने किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बाइंड डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप पहले ये फाइंड आउट करो कि वहां जीसी का प्रोपोर्शन कितना है। अगर आपको जीसी का प्रोपोर्शन मालूम हो गया तो आप एक पर्टिकुलर इक्वेशन की मदद से बाइंड डेंसिटी जो है डीएनए का फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं बाइंड डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ। बाइंड डेंसिटी को मैं यहाँ रो से रिप्रेजेंट किया हूँ। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आप जीसी का परसेंटेज जो है परसेंटेज जीसी के वैल्यू को शो कर रहा हूँ। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है प्रेजेंट है और आपको वहाँ जीसी का प्रोपोर्शन मालूम है तो आप उस डीएनए की बाइंड डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, ठीक है, और अगर जीसी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो बाइंड डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि आप इक्वेशन को चेक करो। अगर यस इक्वेशन को चेक करो तो ये दोनों डायरेक्टली आपस में रिलेटेड है। अगर मैं जीसी कंटेंट बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, यानी बाइंड डेंसिटी बढ़ेगी। तो बाइंड डेंसिटी कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि जो जीनोम आपको प्रोवाइड किया गया उसका जीसी कंटेंट आप फाइंड आउट कर लो। जैसे ही जीसी कंटेंट को आप फाइंड आउट करोगे तो इस इक्वेशन की मदद से आप बाइंड डेंसिटी कैलकुलेट कर लो। अगर जीसी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो बाइंड डेंसिटी ज्यादा होगा, जीसी का प्रोपोर्शन कम होगा तो बाइंड डेंसिटी का वैल्यू कम होगा। ठीक है, अच्छा, इसके पहले भी मैं वैलेस रूल के आधार पर एक इक्वेशन मेंशन किया था जो टीएम का वैल्यू और जीसी कंटेंट के वैल्यू के रिलेशनशिप को जो है पॉइंट आउट करता है कि यस अगर सर, जीसी कंटेंट का वैल्यू अगर आपको मालूम है तो टीएम का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों में फर्क है, यहाँ मैं बाइंड डेंसिटी की बात कर रहा हूँ और वहां मैं टीएम के कैलकुलेशन की बात कर रहा था। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर, तो आपका दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक न्यूक्लिक एसिड और एक जीनोम।